श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद इसका मूर्धन कर दो बल हरे हरे कृष्ण आवाज आ रही है उसका तार को देखा ठीक है हरि बोल हरे कृष्ण हरि बोल आ रही आवाज हरे बोल हरे कृष्ण हरे जय जय श्री जय जय श्री जय जय श्री हरे कृष्ण ठीक है छोड़ दो नहीं और छोड़ो बापा में देखना इसका इको काम करो बस अगर तुम मत करो आ जाओ ठीक है जो है ना वो भी बंद हो जाएगा हरि बोल हरि कृष्ण ठीक आवाज आ रही ना हाँ अंदर में जा रही है बाहर नहीं जा रही राम कुमार कुछ बोल सकते हो तुम बाद में बुलाएंगे हरि कृष्ण सर्वप्रथम मैं गुरुपाद पद्म नितलीला परमेश्वर विष्णुपाद अष्टोदर सदस्य श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला परमेश्वर विष्णुपाद अष्टोदर सदस्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी का चरण में यथाशीघ्र तो प्रणाम करता हूँ हरे कृष्ण हम लोगों ने चार दिन से श्री रूप गोस्वामी की कथा श्रवण कर रहे हैं ये कौन थे महाप्रभु के चरण में कैसे आए महाप्रभु उनको क्या शिक्षा दिया उनका जीवन में उन्होंने हम लोगों के लिए भजन के लिए किया आदर्श रखा है बहुत बहुत कथा सुन थोड़ी बहुत याद रहा कि नहीं थोड़ी बहुत याद है कि नहीं ना सुनकर भूल जाता सब 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 याद करना सब का सब इसलिए कहते जब श्री प्रयाग में श्रीमन महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी को साथ में मिलते हैं श्रीमान इसलिए गुरुदेव कहते हैं जैसे जो भक्ति एक रस का भंडारा है लेकिन उसका चाबी काठी महाप्रभु ने जैसे एक पिताजी की बहुत बड़ा कोई बिजनेस हो चार पांच बच्चे हो जिसमें सारे रुपया पैसा रहता है उसका चाबी काठी पिता किसको दे दे सबको नहीं दे दे उसी बच्चे को दे के जो बच्चा बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है और जो बच्चा दिन भर शराब पीकर पड़ा रहता है गंजा फूंकता है जुआ खेलता है पिताजी उसी बच्चे को देखे क्या बिजनेस जानते हैं दो दिन में सब फूंक फांक कर उड़ा देगा इसलिए गुरुदेव कहते थे वो जो भक्ति रस की जो भंडारा है उसका चाबी काठी महाप्रभु किसको दिए
बोले श्री रूप गोस्वामी को ही प्रदान किया। बोले क्यों? बोले वो उपयुक्त था, जानते ही अगर ये भक्ति रस का चाबी का उसको दूंगा तो उसका कोई बर्बाद नहीं कराएगा और उसको धीरे 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 वो आगे बढ़ाएगा। इसलिए महाप्रभु जब प्रयाग में श्री रूप गोस्वामी को साथ में मिले तो यहाँ पर कहते हैं उसी समय में, बोले रूप गोस्वामी रे शिक्षा करा न शक्ति संचारिया, कृष्ण तत्व भक्ति तत्व रस तत्व प्रांत, सब सिखाई ल प्रभु भागवत सिद्धांत। महाप्रभु रूप गोस्वामी को क्या शिक्षा दिया? कहते चार शिक्षा दिया है। पहला नंबर उनको जो शिक्षा दिया कृष्ण तत्व शिक्षा, इसलिए इनकी एक ग्रंथ है जो ग्रंथ का नाम है स्तव स्तवा स्तवमाला, एक ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है। रूप गोस्वामी उसी ग्रंथ में जो उन्होंने कृष्ण की जो तत्वों का वर्णन किया अद्भुत रूप में वर्णन किया, और एक ग्रंथ है रूप गोस्वामी का जिसका नाम श्री लघु भागवतामृत। क्या ग्रंथ है? लघु। देखो उनकी उनके बारे में बताने के लिए हमें थोड़ी सी उनकी ग्रंथ अध्ययन करना पड़ेगा, तभी उनके बारे में हम कुछ समझ सकते हैं। इसलिए लघु भागवतामृत ग्रंथ में उन्होंने कृष्ण तत्व के उन्होंने बताया कृष्ण कौन है, कृष्ण कौन है। जैसे भागवत में जब श्री सुत गोस्वामी भगवान के सारे अवतार को वर्णन कर रहे थे, मत्स्य कुर्म बराह नृसिंह बामन परशुराम राम बलराम बुद्ध कल्कि, जब अवतार को वर्णन कर रहे थे उन्होंने इतने में बोल दिया कृष्ण भी एक अवतार है, और ये बात को बोल करके उन्होंने तो देखा हम तो बड़ा गलती कर दिया। बोले क्यों? बोले कृष्ण को बोल दिया एक अवतार है, लेकिन ये कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण कौन है? अब मतलब जिनसे ये सारे अवतार आते, इसलिए फिर कृष्ण के लिए उन्होंने अलग एक श्लोक बनाया। कौन बोल सकता है इसमें क्या है? बोलो उनके लिए कह रहे हैं। हाँ बोलो जोर से। उदाहरण देकर समझाए, जैसे हमारे ये उत्सव चल रहे हैं, हमने सबको निमंत्रण दिया लेकिन मोदी को भी निमंत्रण दिया, प्राइम मिनिस्टर को आप भी आ, अभी सब लोग जिस लाइन में बैठ करके प्रसाद पा रहे थे, अभी जिसने बुलाया उसका नजर नहीं पड़ी, इतने में मोदी भी आकर भी उसी लाइन में बैठ गया, अभी भोजन करना शुरू कर दिया, जिसने बुलाया था बोला नहीं मोदी जी आए प्राइम मिनिस्टर आए, फिर क्या करेगा? सबसे ऊंचा स्थान देगा, सबसे ऊंचा स्थान देकर बैठाएगा। उसी तरह जब उन्होंने भगवान के सारे अवतार को वर्णन कर रहे थे उसी समय उन्होंने कृष्ण का नाम भी ले लिया, बोले भैया हमने प्राइम मिनिस्टर का नाम भी बोल दिया। फिर उनके लिए ये श्लोक को बुलाए, बोले नहीं अभी तक जिन जिन अवतार का मैंने नाम लिया कोई अंश कोई कला, लेकिन जो कृष्ण है ये पूर्ण ब्रह्म, केवल श्री कृष्ण चंद्र ही पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ये लघु भागवतामृत में इतना सुंदर उन्होंने विवेचना करते बड़ी बहुत सारी उदाहरण दिया, ये चीज को आज मैं बताऊंगा कल आपसे सुनकर देखूंगा कौन बोल पाता। उन्होंने उदाहरण दिया कृष्ण कैसे स्वयं भगवान, कृष्ण स्वयं भगवान। स्वयं भगवान मतलब क्या होता है? जो बिना किसी के मदद लिए हुए जो पूर्ण है। उदाहरण दिया जैसे एक संख्या, वो एक संख्या वो किसी संख्या की मदद नहीं ले रहा, वो स्वयं उच्चारण होता है, लेकिन जब आप दो बोलो ना एक एक मिल करके दो होगा वो पूर्ण नहीं है, तीन बोलो दो एक मिलकर तीन होगा, चार बोलो दो दो मिलकर चार ही होगा, नहीं तो एक 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 मिलकर चार ही होगा, लेकिन एक बोल तो वो किसी संख्या का मदद ले रहा है। हाँ इसलिए कहते उसी तरह जो कृष्ण है बिना किसी के मदद लिए हुए जो पूर्ण है, कौन है? केवल ये भगवान ये कृष्ण है। इसलिए उन्होंने भागवत से श्लोकों को, अभी किसका बच्चा बाहर गया, किसका बच्चा था देख लेना, इसलिए
इसलिए उन्होंने उदाहरण देकर समझाए जैसे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये जो स्वयं शब्द प्रयोग किया है, कहते कहां कहां पर भागवत में ये स्वयं शब्द प्रयोग किया, तो उन्होंने भागवत से तीन श्लोकों को उठाकर बताया। जैसे किसी बात को अगर तीन तीन बार प्रतिज्ञा कर लो ना, तीन बार बोल दो, ये वाक्य क्या होता, पक्की हो जाती है बात, ये वाक्य पक्की हो जाती है। इसलिए एक श्लोक उदाहरण दिया, इत चांस बलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये एक श्लोक दिया जिसमें कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म बताया। और कहां पर बोले जी उद्धव जी जब श्री विदुर को पास में कृष्ण की महिमा गाते थे, वहां पर भी उन्होंने कृष्ण के लिए उन्होंने स्वयं स्वयं तो असामात्य त्रिदर्शी तत्व वहां पर बताए कृष्ण को, कैसे उन्होंने स्वयं बताया कृष्ण कैसे परिपूर्ण भगवान है। तीसरा श्लोक बताए कृष्ण जब देव के गर्भ में थे, एक साथ में 33 करोड़ देवता एक साथ में प्रकट होकर के भगवान को जो गर्भस्तुति कर रहे थे, वो गर्भस्तुति में सारे देवता 33 करोड़ देवता बता रहे थे, बोले कृष्ण कौन है, बोले कृष्णस्तु भगवान स्वयं। उन्होंने तीन जगह से श्लोकों को उठा करके प्रमाणित किया, रूप गोस्वामी कृष्ण कैसे पूर्ण। फिर उन्होंने उदाहरण दिए, क्या उदाहरण दिए, आप लोग भागवत की कथा जानते हो, जब चतुसर नारायण को दर्शन करने के लिए आए, छह दरवाजा में तो कोई कुछ बोले नहीं, जब सप्तम दरवाजा में प्रवेश कर रहे थे, जय विजय रास्ता रोक दिया, इतने में जैसे सोए हुए सर्प को कोई छेड़ दे, चतुसर ने उनका अभिशाप दे दिया, बोले जाओ तुम लोग राक्षस जन्म में जाओ। अब रोने लगे, ठाकुर जी आए, बोले क्या बात, बोले ऐसे ऐसे बात, बोले देखो अगर मेरे भक्त बन कर जाओगे ना, फिर तो तुम सात जन्मों के बाद में आओगे, अगर तुम मेरे शत्रु बन कर आओगे तीन जन्म बाद में आओगे, बताओ क्या चाहते। बोले प्रभु हम तो जल्दी जल्दी आपके पास में आ जाना चाहते वैकुंठ, बोले जाओ मेरे शत्रु बन कर जाओ। इसलिए पहले जन्म में किस रूप में आए, इनको कौन कौन वध किया था, बोलो कौन कौन वध किया था, बराह अवतार में नरसिंह के अवतार में दो अवतार लेकर के उनको भगवान ने वध किया, लेकिन उनको मुक्ति नहीं मिली। इसलिए भगवान की रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं, भगवान का एक नाम है हतारी गति दायक, मतलब अगर प्रभु के हाथ में कोई मर जाए ना, बड़े से बड़े पापी मरने पर भी इनको मुक्ति मिल जाती है, इनको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन ये पहला बार तो नरसिंह देव मारे, इनको बरहा देव मारे, उनको उद्धार नहीं हुआ। फिर दूसरे जीवन में आए, क्या बन करके, रावण और कुंभकर्ण, इनको कौन मारे, राम, भगवान राम के हाथ में मरे, लेकिन इनको हाथ में तो मरे, लेकिन जो पूर्ण गति जैसे मिलनी चाहिए उनको नहीं मिली। फिर तीसरे अवतार में, तीसरे युग में कौन रूप में आए, शिशुपाल और दंत भद्र, इनको कौन मारे, कृष्ण। जब ये कृष्ण को हाथ में मरे, फिर तो जाकर इनको जय विजय की गति प्राप्त होगी, फिर वैकुंठ प्राप्त होगी, उसको पहले नहीं मारे। बोले क्यों, जो कृष्ण है, कृष्ण के अंदर में जो पूर्ण रस, कृष्ण भगवत तत्व, पूर्ण जो भगवान की जो पूर्णता, इसलिए बोले कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जिसको ब्रह्मा कहते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो गोसाम जन्मित्र परमानंदन पूर्ण ब्रह्म सनातनम। कृष्ण कौन है, ये पूर्ण है, ये ब्रह्म है और ये सनातन है। इसलिए रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं, अगर पूर्ण रूप में अगर जिसको हाथ में मारने पर मुक्ति मिलती है, केवल श्री कृष्ण को हाथ में पूर्ण रूप में मुक्ति मिलती है। इसलिए इनको उन्होंने कृष्ण तत्वों को, सारे कृष्ण तत्वों को उन्होंने इनके हृदय में स्पूर्ण कराया, जिसको उन्होंने लघु भागवतावृत ग्रंथ में उन्होंने प्रकाशित किया है। इसलिए हमारे भक्ति जगत में विशेष करके तीन तत्व है, कितने तत्व है, एक संबंध है और एक अविद है और एक प्रयोजन, ये तीन तत्व है। जितने आप शास्त्र पढ़ोगे, सारे शास्त्र में आप तीन चीज मिलेगा,
संबंध मिलेगा, किसको साथ में हमको संबंध जुड़नी चाहिए। तीसरी चीज मिलेगी अभिधेय। अभिधेय मतलब होता है इनकी भजन करने का प्रोसेस, कैसे कैसे भजन किया जाए। और तीसरा चीज क्या मिलेगा? प्रयोजन। प्रयोजन मतलब है हम जो भजन कर रहे हैं इसका लक्ष्य क्या है। हमारे जीवन में लक्ष्य तीन तत्व तो मिलेगा, इस और ज्यादा चार तत्व तो नहीं मिलेगा। लेकिन श्री रूप गोस्वामी के ग्रंथ में ये तीन तत्व उन्होंने पूर्ण रूप में उन्होंने तीन तत्व दिया। इनकी जो संबंध तत्व मतलब अगर संबंध करना तो हम किसको साथ में संबंध करेंगे, और भक्ति करना तो किसको भक्ति करेंगे, किसको भक्ति करेंगे? बोले कृष्ण को। बोले बोले कृष्ण को क्यों भक्ति करो? और भी तो बहुत सारे अवतार है ना, अरे हम कृष्ण भक्ति क्यों करें? इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने ये लघु भागवत अमृत ग्रंथ, हो सके तो पढ़ लेना कभी, उन्होंने अद्भुत ग्रंथ श्री लघु भागवत अमृत उन्होंने ग्रंथ बनाया। और उसी ग्रंथ में जैसे श्री सना श्री हमारे सनातन गोस्वामी बृहद भागवत अमृत ग्रंथ बनाए, जैसे उसमें पांच तरह का भक्तों का नाम लिया, पांच तरह का भक्तों का नाम लिया, कभी एक ज्ञानी भक्त, एक शुद्ध भक्त, एक प्रेमी भक्त, एक प्रेमातुर और एक प्रेमातुर, पांच तरह का भक्त है। लेकिन उद्धव प्रेमातुर भक्त, लेकिन उद्धव जी लास्ट में गोपियों की चरण की धूल को वंदना किया। बोले उन्होंने क्यों वंदना की? वो ग्रंथ में अद्भुत रूप में उन्होंने दिखाया, अद्भुत ग्रंथ श्री लघु भागवत अमृत। इसलिए कहते ये तत्व रूप गोस्वामी का हृदय में किसने स्पूर्ण कराया? श्रीमन महाप्रभु। बोले दूसरा तत्व क्या स्पूर्ण कराया? बोले भक्ति तत्व। कौन सा तत्व? भक्ति तत्व है। इसलिए जो भक्ति तत्व भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है? भक्ति। ज्ञान नहीं, कर्म नहीं, योग नहीं, केवल उन्होंने भक्ति को द्वारा, जैसे भगवान को कोई प्राप्त कर सकता है और किसी को द्वारा उनको प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए बोले सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, इसलिए तोरी जो धन मेरा त्यागे, साज भी दूर घर खाए, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे उनको भक्ति तत्व दिया। जब उनके भक्ति तत्व दिया फिर उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखे? कौन सा ग्रंथ? भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु। उन्होंने भक्ति तत्व, उन्होंने कृष्ण तत्व उन्होंने दिया, इसलिए उन्होंने लघु भागवत अमृत को वर्णना किया है। जब उन्होंने भक्ति तत्व दिया उसको आधारित करके उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु अद्भुत ग्रंथ है। भक्ति कितने तरह का होता है, भक्ति का डेफिनेशन किया है, उनको भक्ति करना तो कैसे करनी चाहिए। जैसे उन्होंने गुरुदेव कहते थे दूसरे दूसरे ग्रंथ में भक्ति का डेफिनेशन तो दिया है। साफ पर अनुरक्ति ईश्वर भगवान की चरण में अनुरक्ति होनी चाहिए, अनन्य ममता भक्ति, ममता प्रेम संगता है, अनन्य रूप में प्रभु को भक्ति करनी चाहिए, जिसे प्रहलाद रूप उद्धव जी ने कहा। लेकिन गुरुदेव कहते थे उनने सारी भक्ति की जो डेफिनेशन है सबको लेकर के उन्होंने ऐसे एक अद्भुत उन्होंने श्लोक लिखा, जो एक श्लोक में उन्होंने भक्ति की पूर्ण जो डेफिनेशन उस श्लोक में दे दिया। उस श्लोक कौन सा श्लोक है? जोर से बोलो। इसलिए उन्होंने ये श्लोक को उन्होंने भक्ति की डेफिनेशन दिया अद्भुत। एक श्लोक में उन्होंने जो बात बताई ना, चलो विश्वनाथ चकुर ठाकुर उसको जो टीका किया है, अन्य विलासिता क्यों बताया, अन्य विलास क्यों नहीं बताया, ज्ञान कर्म को छोड़ने के लिए क्यों नहीं बताया, उसको आवृत नहीं होनी चाहिए, कृष्ण नाम उन्होंने क्यों लिया, अव्याप्ति अतिव्याप्ति उन्होंने जो बताया उन्होंने अद्भुत रूप में, अद्भुत रूप में एक श्लोक में उन्होंने वर्णना किया अद्भुत रूप में। ये श्लोक है, बाद में आप लोग सुनोगे भक्तों के मुंह से, आप लोग श्रवण करोगे, इसकी व्याख्या श्रवण करोगे। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु और बिंदु, भक्ति रसामृत सिंधु। कल हम सुन रहे थे ना, महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को बोला देख रूप,
ये जो भक्ति है ना, ये एक अथाह समुद्र है, ये एक अथाह समुद्र भक्ति है। लेकिन मैं तुमको एक बुंद चखाऊंगा, एक बुंद चखाऊंगा, उदाहरण दिया। लेकिन उन्हीं के लिए तो एक बुंद है, उन्होंने एक बिंदु को उन्होंने सिद्ध बना दिया, भक्ति रसा मृत सिद्ध बना दिया ग्रंथ, एक बिंदु को अपने सिद्ध। लेकिन एक बिंदु हम लोग को जैसे बहुत, एक उदाहरण दिया, आप लोग ने कोई रसगुल्ला खाए हो? कौन कौन रसगुल्ला खाए? सब खाए। आप देखना जब रसगुल्ला को खाओ, अगर रसगुल्ला में पूरा इतना बड़ा अगर रसगुल्ला हो, छोटा मुंह में डाल दोगे, अगर इतना बड़ा राजभोग हो, इतने बड़े बड़े होता है, अगर उसमें रसी रस जब मुंह में डालोगे क्या होगा, कभी कभी दोनों धारों से एक आध बिंदु कभी नीचे टपक जाती है, अगर एक आध बिंदु अगर नीचे टपक जाए, लेकिन चट्टा चट्टी के लिए बहुत है। हम लोग तो एक बूंद, लेकिन चट्टी चट्टा चट्टी के लिए आप भी ऐसे चट्टा चट्टी आए। उन्होंने तो बोले तुमको एक बूंद चखवा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत है। इसलिए उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु अद्भुत अद्भुत क्या उसमें विचार उन्होंने दिया है, हैं? अद्भुत उन्होंने विचार दिया सब, कितने तरह का भक्ति, इसका क्या लक्षण है। बहुत बहुत कभी अगर भाग्य होगा तो वो चीज आप श्रवण करोगे, स्वरूप सीधा भक्ति, संग सीधा भक्ति, आरंभ सीधा भक्ति, गुणी भुक्ता भक्ति, इसको डेफिनेशन किया है, हैं? भक्ति का कैसे तीन भाग है, साधक भाव और प्रेम, इसका क्या क्या लक्षण है, बहुत अद्भुत रूप में दिया। कहते तीसरा तत्व उनको क्या सिखा दिया, भले रस तत्व उन्होंने सिखा दिया, रस तत्व सिखा दिया, तो उन्होंने इस रस तत्व को ऊपर भी इसमें यही है। फिर उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ। ये जो उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ है उसका नाम ही उज्ज्वल नीलमणि, भगवान की उज्ज्वल मतलब होता है उज्ज्वल, नीलमणि कृष्ण का रंग कैसे नील रंग के है, नील रंग के है। कहते जो भक्ति रस है उज्ज्वल निर्मणि, और उसी ग्रंथ में उन्होंने केवल ब्रज भक्ति की, और ब्रज भक्ति में भी केवल गोपियों की और श्री राधा रानी की भक्ति की विवेचना किया। और वो कह देते हैं स्पष्ट रूप में, देखो ये ग्रंथों को सभी नहीं पढ़ना है, ये ग्रंथों को सब नहीं पढ़ना है, ये ग्रंथों को वही व्यक्ति पढ़े जिनको केवल श्रृंगार रस में गोपी भाव राधा जी की भक्ति में जिनका रुचि है ना, वही लोग पढ़े, और कोई नहीं पढ़े। क्यों? उसमें और किसी भक्त कोई सख्य रस का है नहीं, दास्य रस का नहीं, कोई बाथल रस को, इसमें कोई बात ही नहीं। वहां पर तो कितने कृष्ण कितने तरह का क्या सखिया है, और क्या क्या भाव राधा जी की है, कौन सा समय में क्या क्या भाव उनका अंदर में जागृत होता है, उनका सब डेफिनेशन केवल गोपी गोपी राधे राधे, उनकी भावों की वहां पर विस्तृत रूप में वर्णना किया। इसलिए उन्होंने मना कर दिया, भैया ये ग्रंथ को और कोई नहीं पढ़ना, और पढ़ना ये हमारी गौड़ीय वैष्णवों के लिए, ये विशेष केवल श्री गौड़ीय वैष्णवों के लिए। उन्होंने जो एक एक बात उन्होंने जो बताया ना, आप जो विवेचना करोगे, देखो थोड़ी सी सुन लो। उन्होंने मान को बताया हरे कृष्ण, ये मान की उन्होंने भेद दिखाया, कहते मान कितने तरह के होते हैं। बोले आप लोगों ने कोई मान किए हो घर में, कौन कौन मान किए हो, पति लोगों ने मनाया, हाँ बताओ तो कौन कौन मान किए, कोई बोलोगे नहीं। इसलिए कहते मान उन्होंने बताया भेद, बोले मान दो तरह के, कितने तरह के, दो तरह के, कहते एक अहेतुकी और एक सहेतुकी। अहेतुकी मतलब होता है बिना कारण की मान, सहेतुकी मतलब होता है किसी कारण को लेकर जो मान रखते हैं, किसी कारण को, उसको बताया तीन तरह का है जो मान है, जो कारण को लेकर के जो मान होता है तीन तरह का है। बोले कैसे कैसे, बोले पहला नंबर है अनुमित, अनुमित मतलब अनुमान करके, जैसे राधा रानी राधा कृष्ण में संवाद, दोनों दोनों को तोते को द्वारा भेज दिए, आज ये स्थान पर हम दोनों मिलेंगे। राधा रानी कृष्ण के लिए सुंदर कुंज बना करके बैठी हुई, श्याम सुंदर आएंगे, लेकिन श्याम सुंदर को आने में देर हो रही, अभी राधा रानी सोच रही, अनुमान कर रहे हो ना वो चंद्रावली तो बीच में रोक नहीं दिया, अभी तक आए नहीं थी, और किसको तो प्रेम नहीं कर लिया, बस अगर कृष्ण लेट में आए ना राधा रानी मान कर ले। और एक होता है सहेतुकी, सहेतुकी मतलब
जिसकी हेतु लेकर के, जिसकी कारणों को लेकर के मानवता है। जैसे रास करते करते कभी देखा राधा रानी ने कृष्ण अपना हाथ चंद्रावली कंधे पर दिया, वाह इतने में सुमति राधा रानी मान कर देती है। और श्रुत्वा, श्रुत्वा मतलब ना सुन करके, जैसे राधा रानी की एक तोता है, राधा जी की एक तोता है, वो आकाश में घूमता रहता है और सब खबर राधा रानी को ला ला करके राधा रानी को सारी खबर वही देता रहता है। अभी राधा रानी कुंज बना करके बैठे, कृष्ण बल आकर के मैं मिलने वाले हूँ, कृष्ण तो आ रहे थे बिल्कुल बीच में, चंद्रावली रोक दिया, बोले मैं भी तो आपके लिए कुंज बना कर बैठी हूँ, चलो जोर जबरदस्ती कृष्ण को ले गए। अभी तोता ने पास देख लिया, उसने आकर के कृष्ण को बोल दिया, बोले जान राधा जी को बोले जानते हो तुमने जो सुंदर कुंज बनाया ना, आज कुंज तुम्हारी बेकार है। बोले क्यों? तुमने जो श्रृंगार किया, श्रृंगार भी तुम्हारी बेकार हो गई। बोले कृष्ण बीच से हड़प हो गई, अपहरण हो गई। बोले कैसे? बोले चंद्रावली उनको बीच में ले गया। बस राधा रानी तो एकदम दुर्जय मान करके राधा रानी बैठी, इसलिए उन्होंने जो मान की जो भेद दिखा दिया ना, हम सोच नहीं सकते। फिर वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे जगहों से उन्होंने ले लेकर के उन्होंने जो कोटेशन दिया, तो बोले हम आपको तो मैंने एक विषय अपने सुनाया, वहां पर हर विषय को रूप गोस्वामी हर विषय को उन्होंने जो उदाहरण देकर समझाते हैं, आप सोच नहीं सकते। उन्होंने ऐसे ऐसे उन्होंने उदाहरण दे दिए उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ में। इसलिए वो कहते हैं कि जो ग्रंथ है ना, जो श्रृंगार रस के जो उपासक है, जो गोपी भाव से मधुर रस से जो भजन करते हैं, उन्हीं के लिए ये ग्रंथ है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इनको प्रयाग, प्रयाग में कौन सा तत्व सिखा दिया बोलो? एक कृष्ण तत्व और एक भक्ति तत्व और एक रस तत्व और एक रस दिया। बोले क्या? बोले भागवत सिद्धांत है, उन्होंने भागवत सिद्धांत को उन्होंने उनको वहां पर वर्णना किया है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते अगर ये भागवत को पूरा समझना है ना, कहते यही रूप गोस्वामी फिर क्या किया, फिर दूसरे बार उनके सब ग्रंथ वर्णना करके ना, फिर देखा भैया ये ग्रंथ बड़ा बड़ा हो गया, कलिजुग का जी कम आयु है और ये कम आयु में इतना ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, फिर उन्होंने दूसरा रूप धारण किया। बोले कौन सा? बोले श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। कहते रूप गोस्वामी श्री विश्वनाथ प्रभु जी आगे आ जाओ, आगे आगे आ जाओ, हरे कृष्ण। इसलिए उन्होंने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रूप में फिर आए, फिर आगे आगे आ जाओ। इसलिए उन्होंने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रूप में फिर आगे आकर को वो जो बड़ा ग्रंथ बनाया था, जैसे उन्होंने लघु भागवत अमृतम ग्रंथ बनाया, फिर उन्होंने उसको फिर छोटा बना दिए, फिर जैसे उज्ज्वल निर्मणि बनाया था उसने किरण कड़ा बना दिया, उन्होंने जो सिंधु बनाया था भक्ति रसामृत सिंधु, फिर उन्होंने उसको बिंदु बना दिया, छोटे छोटे बना दिया, जैसे कम समय के अंदर में जैसे हम ये चीज को समझ सके। उन्होंने श्री विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर रूप में उन्होंने भागवत का, कहते उन्होंने श्री भागवत का जो उन्होंने टीका लिखे अद्भुत रूप में इन्होंने टीका लिखी। जब तक इनकी टीका को कोई नहीं पढ़ेगा ना, आप भागवत नहीं समझ सकते। वहां पर बड़ी बड़ी शंकाएं हैं, लेकिन वो शंकाओं को अगर पूर्ण रूप में कोई समाधान किया, बोले श्री रूप गोस्वामी ने किया है, है? रूप गोस्वामी ने किया है सब चीज को। इसलिए महाप्रभु ने ये सारे तत्व श्री रूप गोस्वामी का हृदय में सब कुछ उन्होंने स्फुरण कराया और बाद में रूप गोस्वामी ने सारे ग्रंथ को उन्होंने वर्णना किया। इसलिए देखो हम लोग जो कथा सुन रहे थे सिर्फ रूप सिख्या है, अब लोग रूप सिख्या की अभी तक हमने उनकी महिमा महिमा को बहुत सुने हैं, है? इसलिए उसमें एक श्लोक श्री कवि कर्णपुर इनके ऊपर में एक सुंदर श्लोक कहते हैं, कहते देखो श्लोक को सुना रूप गोस्वामी के ऊपर में क्या सुंदर उन्होंने श्लोक बताए। कहते प्रिय स्वरूपे दैत स्वरूपे, बोले प्रेम स्वरूपे सहजा निरूपे निजान रूपे प्रभु रेग रूपे ततान रूपे स्विलास रूपे। वो तो ये श्लोकों को कोशिश करना जो जो याद कर सके इस श्लोकों को याद करने के लिए। इसमें उन्होंने आठ
रूप को ऊपर में उन्होंने आठ, उन्होंने उनको जो डेफिनेशन बताया कि प्रिय स्वरूप कैसे, दैत्य स्वरूप कैसे, यानी कि प्रेम का स्वरूप कैसे, निज अनुरूप कैसे, उनकी विलास का स्वरूप कैसे, इनको हृदय में सारे तत्वों को स्पर्ण कैसे कराया है। इसलिए ये रूप रूप बोल करके स्विलास का रूप कैसे, उन्होंने आठ कलो रूप रूप बोल करके इनको उन्होंने आठ रूप उन्होंने उनको दिया है। और इसको ऊपर में प्रभुपाद भी ये प्रिय स्वरूप मतलब किया, प्रेम स्वरूप मतलब किया, सहजाद रूप का मतलब किया, ततान रूप का किया। इसलिए प्रभुपाद ने इसकी सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी उन्होंने अर्थ बताए इसका, क्या उन्होंने जो इतना रूप 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 बताया इसका क्या, क्यों इनको रूप 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 क्यों बताया। इसलिए ये इनका रूप है, रूप मतलब ये सभी का रूप है। इसलिए कल आप लोग श्रवण कर रहे थे जब उन्होंने ललित माधव विदग्ध माधव ग्रंथ लिख रहे थे, जब उन्होंने मंगलाचरण श्लोक को सुने, कल सुन रहे थे ना, कौन सा श्लोक था मंगलाचरण में, वहां पर एक था महाप्रभु हे कौन, इस विषय पर उन्होंने जब बताए अनग पीत चरे चिरात अवतीर्ण करो, महाप्रभु कौन, क्यों आए, किस लिए आए, और नाम की जब महिमा उन्होंने सुनाई तुंडे तांडवी, इसको सुन करके महाप्रभु आनंद की सीमा नहीं रही। उनने सारे भक्तों को फिर बुलाया, सारे भक्तों को बुलाया, बुला करके दो बार वो श्लोक को सुनवाया सबको, क्योंकि अगले सुन करके वो आनंद को अंदर में रख, जैसे कोई बढ़िया चीज देखे ना सारा दुनिया को ले जाते, तुम देखा कितने बढ़िया चीज है। इसलिए उन्होंने समय सबको भक्तों को लेकर गए, फिर महाप्रभु कहते हैं देखो आप लोग जितने भक्त है ना सारे भक्त ये रूप को ऊपर में कृपा कर, इसको ऊपर में सबके सब कृपा कर, ये जैसे मेरी हृदय की बात को समस्त समझ करके, जैसे मेरी हृदय की बात को ये प्रकाश कर सके, इसलिए तुम लोग सबके सब इसको ऊपर में कृपा करो। इसलिए जितने महाप्रभु को भक्त लोग थे ना सबके सब श्री रूप गोस्वामी को ऊपर कृपा की, इसलिए इनको बताए श्री चैतन्य मनभीष्टम स्थापितम जनभूतले, जिन्होंने महाप्रभु की इच्छा को जगत में स्थापन किया। अगर इसलिए कहते जन्म रूप कली है, अगर ये कली युग में अगर श्री रूप गोस्वामी नहीं होते तो वो कहते हैं तम ब्रज प्रेम महाकुठरी को कौन उघाड़ते, ब्रज प्रेम का जो महासमुद्र है वो तो बंद था, गुरुदेव के तो उसमें दो दरवाजा था है, उसमें ये दो दरवाजा किसने खोले बोले रूप गोस्वामी, ये तो दो दरवाजा कौन किया है, ये दो जो दरवाजा है एक है उज्जवल निर्मणि ग्रंथ है और एक भक्ति रसामृत सिद्धु ग्रंथ, ये इनका ये दो दरवाजा है, ये दो दरवाजा है। अगर अगर रूप गोस्वामी नहीं होते, अगर ये दो ग्रंथों को नहीं लिखते फिर तो हम कभी भी भक्ति के संबंध में कुछ भी हमें पता नहीं चलता, सामने आ जाता, इसलिए कुछ भी पता नहीं चलता। इसलिए हम सबके सब श्री रूप गोस्वामी के चरण में हम सबके सब ऋणी हैं। बोले श्री रूप गोस्वामी की जय, जोर से बोलो जय, श्री रूप गोस्वामी की जय, बोले श्री सपरिकर गौर हरि की जय, बोले श्री सनातन गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा। हमारे बीच में कुछ भक्त है वो लोग भी थोड़ी थोड़ी ठाकुर जी के चरण में पुष्पांजलि प्रदान करेंगे, आज हमारे बीच में हमारे श्री मनमोहन प्रभु जी, इसलिए ये थोड़ी सी रूप गोस्वामी के चरण में कुछ श्रद्धा पुष्पांजलि प्रदान करेंगे हमारे से। हरे कृष्ण। अज्ञानति मिरांदस्य ज्ञानञ्जन शलाखया च
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्रीनारायण गोस्वामीति नामिने श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। पीछे आवाज जा रही कि नहीं? आवाज जा रही है? वो बंद है। हरे कृष्णा दो दिन में बंद भी सब किसी ने छेड़ा किसने चार पांच माइक लगाया हटाने से ना अभी चार लगे हुए अरे किसने लगाया सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट जयं विष्णुपाद श्रुति युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि नमन प्रणाम करता हूँ और उनके हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। तदुपरांत शिक्षा गुरुपाद पूज्यपाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि नमन प्रणाम करता हूँ कृपा वांछा करता हूँ। उपस्थित ज्येष्ठ गुरु भाइयों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। समस्त पिता प्रभासु भक्तविंद मातृविंद सबके चरणों में धैर्य धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। कल भी मैं यहाँ तो आ नहीं पाया लेकिन लाइव टेलीकास्ट की मदद से कथा सुन रहा था तो उसमें पूछपा संजय प्रभु ने कहा लास्ट में कि हमको आकलन करना पड़ेगा जीवन में हम कितना रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को अपने जीवन में रोजाना ये करना पड़ेगा कितनी शिक्षाओं को हम पालन कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो फिर ये जो भजन की परिपाटी है इसमें शायद हम कभी वो चीज नहीं पा पाएंगे जिसके लिए इस धारा में आए हैं क्योंकि रूप गोस्वामी की शिक्षा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्हीं का एक ग्रंथ है उपदेशामृत पर कुछ बार रोहिणी प्रभु ने उसके विषय में बहुत कुछ कहा था बट मैं लाइव तरीका से ज्यादा सुन नहीं पाया बीच में डिस्कनेक्ट हो गया तो मैंने उसी ग्रंथ में से कुछ बोलने की कोशिश करूंगा शायद सबके लिए बहुत जरूरी है। तो उन्होंने उस ग्रंथ में दूसरे श्लोक में लिखा कि अगर भक्ति को विनाश हो रहा है विनाश समझते हैं समाप्त करना चाहते हैं तो उन्होंने ये बताया अगर भक्ति बढ़ानी है तो उसके भी छह लक्षण बताए अगर कोई कर पालन करेगा तो भक्ति बहुत तेजी से बढ़ेगी और अगर किसी को समाप्त करनी है तो ज्यादा जरूरत नहीं है वो जो छह लक्षण बताए उसमें से कोई एक भी पालन करोगे ना भक्ति डिसिप्लिन क्या हो जाएगी समाप्त हो जाएगी। तो हमको जानना पड़ेगा वो छह लक्षण कौन से जिनको करने से भक्ति बहुत जल्दी विनाश होती है अगर वो छह लक्षण हम समझ पाए उनको किसी तरह से जीवन में रोक पाए तो बाकी कुछ हो ना हो हमारी भक्ति विनाश होने से बच जाएगी है ना। तो वह श्लोक है अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लोय अच्छा षड्वर भक्ति विनश्यति। सबसे पहला है अत्याहार। अत्याहार लोग समझ रहे होंगे जब से ज्यादा खाना कह रहा है जब से ज्यादा खाना तो है ही साथ साथ में जरूरत से ज्यादा किसी वस्तु का संग्रह भी करना। अब हर चीज की लिमिटेशन है आप लिमिटेशन से ज्यादा जोड़ने जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा प्रयास करना पड़ेगा कि आपसे कोई ना कोई बात या भक्ति के विपरीत कोई ना कोई कार्य आपको करना ही पड़ेगा और अगर वो होगा तो आपकी भक्ति विनाश होने में अधिक समय नहीं लगेगा। दूसरा यहाँ पर देखा प्रयास जैसे हमने जब सैलरी छोड़ा मानो दो तीन चार करोड़ पैसा हम बच्चों के लिए छोड़ कर गए जैसे हमने पांच छह दस करोड़ बच्चों के लिए छोड़ कर गए शरीर छोड़ते हुए इतना पैसा छोड़ कर गए तुमने जो इतने पैसा छोड़ कर गए वो पैसा तुम्हारी बेकार हुई नहीं। अगर किसी व्यक्ति को बोलना थोड़ा हरिनाम करो बोले नहीं बच्चों के लिए थोड़ा पैसा कमा करके जाना है ना बड़े गुरु जी कहते थे बच्चों के लिए पैसा कमा करके मत जाओ गुरुदेव मना करते थे बोले क्यों बोले वो हो ना होगा वो कमा ही लेगा अगर वो नालायक बनेगा ना जुआ खेल करके और शराब पी करके मांस खा करके तुम्हारी सारे पैसा को बर्बाद कर देगा ये बड़े गुरुजी कहते थे सारे पैसा को। अभी आईपीएल आ रहा था ना जो क्रिकेट एक व्यक्ति मेरे पास में आए बोले गुरुजी
मैंने जिंदगी में जितने पैसा कमाया था मेरे बेटा एक मिनट में जुआ में लगा कर गई, अभी 6 रन रह गया। बोल रहा था 6 रन रह गया, अभी उसमें कौन जीतेगा और कौन हारेगा। एक मिनट में लगाया और जिस पार्टी में लगाया था हार गया, तो मैंने जितने पैसा जीवन में लगाया था बच्चा एक मिनट में हार। इसलिए वो जो पैसा हमने जो जमा कर गए वो बेकार जमा कर दिया। अगर उतना समय अगर हम हरिनाम कर लेते, इसलिए मीरा कहती है ना, पायो जी मैंने राम रतन वस्तु अमोलक दीने सतगुरु कृपा करी अपना, पायो जी मैंने राम रतन ऐसे धन को कमाओ, इसी जीवन में भी आप उसकी मालिक बनोगे और अगले जीवन में भी तुम ही मालिक बनोगे। ये पैसा को चोर नहीं लवे, लूटे नहीं जावे, दीन दीन बढ़त। ये धन को कोई नहीं ले सकता है, केवल तुम्हारी रहेगी, अगली जीवन में ब्याज समेत तुमको प्राप्त हो। इसलिए अत्याहार एक अर्थ होता है, जितना जीवन में जरूरत है उतना कमाओ और ज्यादा से ज्यादा क्या करो, समय को भगवान के नाम धन पर लगाओ, जो धन मरने के बाद तुम्हारी पूरी की पूरी तुम्हारी साथ जाए। दूसरा है प्रयास शून्य, भक्ति के प्रतिकूल चेष्टाएं करना। अनुकूल जो है भक्ति के वो तो हम कर नहीं सकते, प्रतिकूल जो कुछ है वो करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हमको समझनी चाहिए और प्रतिकूल चेष्टा में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हमारी परंपरा में ज्यादातर जो है स्रोत क्या करना पड़ेगा, पहले सुनना पड़ेगा। हम किस संप्रदाय में स्रोत पंथ है, सबसे ठाकुर प्रभुपाल जी कहते थे हमारा पंथ कौन सा है, स्रोत पंथ है, हम सुनना पड़ेगा पहले। और जो हम भगवत दर्शन करना चाहते हैं, कोई इस दृष्टि से क्या भगवान का दर्शन कर सकता है, कितने लोग मानते हैं हाथ खड़ा कर लो। जो दर्शन कथा सुनने से होता है, क्या कभी आंखों से मंदिर में जाकर के वो दर्शन किसी को हुआ? बिल्कुल नहीं। कथा सुनते सुनते जो अनुभूति हृदय में आती है, जो सुखपात होता है, क्या मंदिर देख करके उस तरह का सुखपात किसी का होता है? वो उनका होता है जो बड़ी श्रेष्ठ अवस्था में होता है, वो रोज ही रुदन करते हैं, क्या हम रोज रोते हैं भगवान को देख के? नहीं। तो भक्ति के अनुकूल चेष्टाएं क्या है, गुरु वर्गों का संग करना, वो जहां है जिस जगह पर बैठे हुए हैं भाई हमारे बरसाना है, भाई हमारे नंद गांव में। ऐसा नहीं है महाराज लोग कहीं बैठे हुए कथाएं कर रहे हैं, हम सबको छोड़कर नंदगांव बरसाना दर्शन करने की चेष्टा कर रहे हैं, तो कभी वो कृपा जो राधा रानी की वास्तव में होनी चाहिए हम पर कभी नहीं हो पाएगी। हमको समझना पड़ेगा गुरु संघ क्या है, कहां पर हमको वास्तविक धाम दर्शन हो सकता है और किस प्रकार से होगा, क्योंकि जब हमारे गुरुवर की मानी जा रहे हैं तो ऐसा कुछ जरूर आवश्यक होगा जो उनके पास बैठ करके हमको अनुभूति हो सकती है। तो जैसे रूप गोस्वामी की तिथि में भी सब लोग जाते हैं, मंदिर दर्शन करने का समय अलग है, वो हमको दिन में समय मिलता है बीच में, लेकिन हम कथा के समय पर ही शाम को दर्शन के लिए जाते हैं। सुबह कथा विशेष रूप से नहीं होती तो हम उस समय जा सकते हैं, लेकिन सब लोग कब जाते हैं, शाम के समय जब कथा होती है। मतलब क्या वास्तविक दर्शन कैसे होगा, उस कथा में बैठ करके जैसे अभी रूप गोस्वामी के विषय में सुनने को मिल रहा है, ये अनुभूतियां उस समय सुनने को मिलेंगी। बड़े बड़े संत आएंगे अपने अपने जीवन की अनुभूतियां रूप गोस्वामी के विषय में कहेंगे, क्या वो हमको मंदिर में दर्शन जाकर के वो अनुभूतियां हो सकती है? नहीं। तो हमको ये चीजें डिसाइड करनी पड़ेगी भक्ति की अनुभूति क्या है। जब कथा होती है ना कुछ लोग खुली मस्ती मैंने देखा है, दूसरे समय घूमने नहीं जाएगी, जब कथा की शुरुआत हो खुजली मच जाएगा, कब बाहर निकले, कब बाहर निकले, कब बाहर निकले। इसलिए दूसरे समय पर जाओ, इसलिए जब कथा हो, इसलिए गुरुदेव कहते थे एक भागवत का श्लोक है, बोले धर्म स्वनिष्ठ तो तुम शांत विश्वसेन कथा सुच न उत्पाद तय थे जदि रति सम केवल केवल। ये भागवत का श्लोक मतलब है तुम्हारी और भक्ति की सारी चीज में तुम्हारी रुचि है, दान देने में रुचि, घूमने में रुचि, पूजा करने में रुचि, सब रुचि है, लेकिन तुम्हारी कथा में रुचि नहीं तो कल तुम्हारी सब जीरो हो जाए। जैसे देखना एक लड़की एक लड़का को बड़ा प्रेम करता है, एक लड़का लड़की को प्रेम करता है, देखना उसकी नाम सुनते ही ना उसका कान खड़ा हो जाता है। कभी उसका नाम तो दीवार में लिखेगा, कभी काफी में, कभी हाथों में, कान में उसको प्रेम करता है, उसको
प्रेम करता है, उसी तरह हम भी भगवान को प्रेम करते हैं, उसका लक्षण क्या है कथा। इसलिए गुरुदेव हर समय गुरुदेव कहा करते, हर समय गुरुदेव इसको कितनी जोर देते थे, लेकिन जिस समय कथा होगी सारे काम को छोड़ करके कथा में बैठ गए, क्योंकि प्रथम जो भक्ति संतन करी संगा श्रवणम, पहला भक्ति श्रवण भक्ति है। जब तक तुम्हारी सुनने का भक्ति नहीं होगी आगे कोई भक्ति होगी नहीं तुम्हारी। जब सुनोगे नहीं बोलोगे क्या, सुनने पर तब आपकी भगवान के प्रति प्रेम होगा ना, इनकी महिमा के प्रति प्रेम होगा, तभी तो उनकी भक्ति करेंगे। इसलिए सबसे जो पहला भक्ति है कथा सुनना। तीसरा है प्रजल, प्रजल का मतलब अनावश्यक ग्राम वार्ता, अनावश्यक भक्ति के विपरीत बातों को करना, ये सबके अंदर। जैसे किसी ने कोई भक्ति के विषय में बात कही कि प्रभु जी बोल रहे हैं कि भगवान का इस तरह से दर्शन करने पर भगवान का बड़ा आनंद होता है, तो उन्होंने बीच में अपना छोड़ दिया राग, अभी क्या है पूरी बात तो सुनी नहीं। धीरे धीरे उसकी बात जब सुनते सुनते पता चला वो बात शुरू हुई थी भगवान से, वो अपने जीवन की कोई जागतिक अनुभूति बताने लग गया, मैं वहां गया था, उसको मैंने देखा, बड़ा अच्छा लगा, और बात खत्म होते थे जगत की चीज पर, जगत की इच्छा पर आकर खत्म हो गई। जैसा बात चल रही है गुरुवर्ग क्या देते हैं, गुरुवर्ग जगत के बाहर का कृष्ण प्रेम, कृष्ण की स्थिति दे सकते हैं, और बीच में हमको अनुभूति सुनाने के लिए हमको बोला गया, तो हमने कहा एक दिन हम पर ये समस्या आई थी, गुरुदेव ने कहा कि अच्छा तो है, पर जो उच्च तत्व की बात हो रही थी उसके सामने कथा क्या हो गई, सुन लो। मतलब क्या है, अनावश्यक चीजों को जरूरत से ज्यादा नहीं सुनना चाहिए, बेकार की भक्ति में और बातों को करना नहीं चाहिए, अनावश्यक ग्राम वार्ता से बचना चाहिए प्रजल को। ये चीज का इतने स्वादिष्ट इतने मीठा, इससे दुनिया में मीठा कुछ है नहीं। दूसरे का चुगली करना है ना, प्रजल का मतलब होता है भगवान की कथा के सिवाय दूसरी बात बोलना, बस इसकी चुगली करना, वो इतने मीठा, आप देखना इससे मीठा दुनिया में कुछ चीज है, कुछ है नहीं। अगर वहां पर कोई अगर किसका चुगली करता हो ना, यहाँ से आपके यहाँ पता चल जाएगा जो हो रहा है, आप देखना धीरे धीरे वहां चलना शुरू कर जाएगा, ऐसे किया ना उसको, छोरी ने ऐसे किया ना उसको, बहू ने ऐसे किया ना, इतने इससे तो दुनिया में और बेटा को जरूरत में है ही नहीं। इसलिए इसमें देखो रूप गोस्वामी जो ये भक्ति की जो बाधा वस्तुओं को उन्होंने इसको बता रहे, इसलिए कभी भी, इसलिए चैतन्य भागवत में बताए, कहर ना करे निंदा कृष्ण कृष्ण बोले अजय चैतन्य सही तारीफ कहे। इसलिए महाप्रभु का एक नाम बोला अजय, अजय मतलब जिसको जितना बड़ा कठिन, बड़ा कठिन है, लेकिन ऐसे जो कठिन जो भगवान को प्राप्त करना वो कैसे वशीभूत हो जाएंगे, बोले कहर ना करे निंदा, जो व्यक्ति कभी भी किसकी चुगली नहीं करते, और कृष्ण कृष्ण बोले, हमारे श्री भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज, इनके पास में किसी ने किसी विषय किसी सन्यासी का नाम पर कुछ बोलने के लिए आए, बोलने के लिए आए ना, उन्होंने किसी की कभी चुगली नहीं सुनते थे, बोलने के लिए आए तो बोले अरे कृष्णा अरे अरे कृष्णा 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 हरे 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 भोजन करने के लिए, और एक दिन पहले उन्होंने दूध ला कर रख लिया, उसमें खीर बनवाएंगे, मालपुआ खीर सब्जी उनको भोजन कराए, लेकिन जब दूध रख लिया उनको पता नहीं चला, रात को कोई सांप आया और वो दूध में मुंह मार के चला गया और पूरा का पूरा दूध हो गया 20, उसको पता ही नहीं चला, और उसने उसी दूध में खीर बनाए, और दूसरे दिन खीर बना करके उन्होंने सारे ब्राह्मण को जिम्बाया, जितने ब्राह्मण वो खीर खाए सबके राम नाम, सबके राम नाम सत्य हो गया, सारे ब्राह्मण समाप्त हो गए, राजा इतने दुखी हो गया, हे भगवान
मेरे से इतने बड़ी पाप इतने ब्राह्मण हत्या हो गया, अभी मेरे को ये ब्राह्मण हत्या से मुक्ति कैसे मिलेगी। इतने दुखी होकर उसने सब राज्य छोड़ा, वो जंगल में गया भजन करने के लिए, किसी तरह से पाप से मेरी मुक्ति हो गया। इतने में एक गरीब ब्राह्मण को यहाँ, इतने में जब वो वहां पर भजन कर रहा था, स्वर्ग से दो अप्सरे निकले उतरे, उतर करके एक दूसरे से प्रश्न करती हैं, बोले ये बताओ कि जो राजा है यहाँ जो भजन कर रहा है, इसने तो जान बुझ करके पाप किया है, अनजान में सर्प ने आकर के मुंह मार कर गया और सारे बीस होगा को उबाल दिया और फिर कहा कर सारे मर गए, ये तो जान बुझ कर किया नहीं, फिर इसका पाप किसको भुगतना पड़ेगा। एक ने कोई उत्तर नहीं दे पाया, बोले बात तो सही, अगर कोई जान बुझ कर करते फिर तो पाप होता है ना, उसने तो जान बुझ कर किया नहीं, वो कुछ आंसर नहीं दे पाया, वो चले गए। जब चले गए उसी दिन किया होगा, दूसरे दिन एक ब्राह्मण ने ये जो राजा जो भजन कर रहा था उसको पास में आया, बोले देख मेरी एक बेटी गरीब ब्राह्मण हो, बेटी की शादी नहीं दे पा रहा, बेटी शादी के लायक ही हो गई। राजा ने कहा देखो मैं जब राज्य शासन करता था मैं तो ब्राह्मण को सेवा किया है, जदोजित मैंने किया, अभी मैंने सब कुछ छोड़ करके भजन के लिए आया, अभी तो मैं कुछ दे नहीं सकता। बोले ढोंगी भजन करने के लिए आ गया है, इतने साधुओं को इतने ब्राह्मणों को मरवाया और यहाँ पर भजन करने के लिए आ गया, तेरे को घोर नरक जाना पड़ेगा, मेरे बेटी के लिए थोड़ा पैसा इतनी गाली गलौज इतनी उसकी गाली गलौज की गाली गलौज ऊपर चला गया। जब चला गया फिर दूसरे दिन दो स्वर्ग से फिर अवसर उतरे, जब उतरे फिर एक दूसरे से फिर प्रश्न किया, बोले ये बताओ कि राजा का पाप पाप कौन लेगा। बोले समाधान हो गया हो गया है। बोले कौन? बोले दो है, कहते एक ब्राह्मण आया उनसे कुछ मांगा वो दे नहीं पाए, बोले इतने उसकी गाली चुगली निंदा करके गया, उसका जितने सब पाप था ना ब्राह्मण ले वो ब्राह्मण। इसलिए जब हम किसकी चुगली करते हैं उसके जितना सब पाप है हमें लेना पड़ेगा। इसलिए उदाहरण देते हैं, जैसे कोई बच्चा कोई टाटी पेशाब करता है, माँ क्या करती है उसको हाथों से साफ करती है बच्चे को, लेकिन जो चुगली करते हैं ना किसकी जो चुगली करते हैं, चुगली कैसे करते हैं अपना जीवा से करता है, कहते उसके जितने पाप है, जैसे चाट चाट करके चुगली नहीं जिसकी हम चुगली करते हैं उसका जितने काम क्रोध लोभ जितनी सब गंदी चीज, कहते अपना जीवा से चाट चाट कर साफ करता है, चाट चाट कर खा लेते हैं उसको। इसलिए इसमें उन्होंने तृतीय जो रूप गोस्वामी कह रहे हैं भक्ति विनाश किसमें होती है, आप देखना दूसरी किसको बोलो हरिनाम करने के लिए 10 मिनट स्थिर में बैठेगा नहीं, लेकिन इस चुगली की के लिए बोलो घंटा घंटा बीत जाती है, पता नहीं चलता घंटा घंटा उसके बीत जाती उसी चीज में। इसलिए कहते भक्ति की हानि होती है ये चुगली से। ये तीसरा नंबर है प्रज्वल, भगवान की कथा सुनाए और जितने सब दुनिया की बात ये श्री सबके सब प्रज्वल है, कृष्ण कथा छोड़ कर कभी ये चीज नहीं करती। चौथा है नियम आग्रह। नियम आग्रह सबको समझना चाहिए, बहुत जरूरी सबके लिए। जो हमारे अधिकार के नियम है, जो हमारे अधिकार के, उनको छोड़ करके अपने से उत्तम अधिकार के व्यक्ति की नियमों को करने की चेष्टा करें। समझ आ गया? हमारा जितना अधिकार है हमको जो करना चाहिए उसे तो हम करने दे सकते, लेकिन अपने से उत्तम किसी को देखते हैं जो बहुत अधिक स्थिति में हमसे ऊपर है, हम उसके नियमों को करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। यह है नियम आग्रह, मतलब जो हमारा अधिकार है वो तो हम ठीक से कर नहीं रहे, जो हमसे बहुत आगे की बात है उसको करने के लिए हम क्या कर रहे हैं दौड़ रहे। यही है नियम आग्रह, ये जो चीज हमारे अधिकार में है ही नहीं उसको करने का हमको प्रयास करना, और उसमें क्या होगा जो उसको करने के लिए गुण चाहिए, जो उसे करने के लिए चेष्टाएं चाहिए वो हमारे पास है ही नहीं, तो क्या होगा हमसे कुछ अच्छा होने की बजाय क्या होंगे सारे अपराध होंगे, और उन अपराधों में क्या होगा हमको वो सारे अपराध भोगने पड़ेंगे, और उससे क्या हो जाएगा अधिकार के क्षेत्र के बाहर जाकर के जब कोई काम करेंगे तो वो काम हम 100% कर ही नहीं पाएंगे, और हम उसमें क्या हो जाएंगे फेल हो जाएंगे, और फेल होने पर क्या होगा जो हम कर रहे थे हम उसके लायक भी नहीं रहे। वो नहीं बढ़ता। एक समय एक गुरु एक चेले थे, अभी गुरु आगे आगे चला पीछे पीछे जा रहा था, गुरु ने
एक एकदम गरम एक लोहे का पिंडला था, एक लोहे का, गुरुदेव ने झट उसको खा लिया, चेला पीछे पीछे जा रहा था। गुरु में तो बड़ा ताकत है, ये तो एकदम गर्म है, तो लोहे का पिंडला को उन्होंने खा लिया। हाँ चेला बोले भैया मैं क्यों नहीं कर सकता, तो क्यों जी कर सकते हैं भैया, मैं भी कर सकता हूँ। हाँ उसने क्या किया, वो भी मुंह में जब डाला ना, मुंह तो एकदम जल गया, फिर उसने उल्टी कर दी। यहाँ पर क्या देते हैं, अपना अधिकार से, जो अपना अधिकार है, अपना अधिकार रह करके हमें सारे काम को करनी चाहिए, अधिकार से बाहर कभी मत किया करो। गुरु जी कर रहे हैं इसलिए हम ये काम करेंगे। आप उनकी कुछ ऐसे चीज है जो उनका आदेश को पालन करो, गुरु जी जो कर रहे हैं उनका आदेश को हमें पालन करनी चाहिए। चलिए बात है, और जो इसके बाद है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जनसंघ। जनसंघ मतलब मायावादी पाखंडी इस तरह के लोगों का संग करना। मैं उदाहरण आपको समझा देता हूं कि क्या होता है। जैसे कोई व्यक्ति हम जानते हैं पूर्ण नास्तिक है, वो क्या है, पूर्ण नास्तिक है, और हमारे पास उसका जवाब देने के लिए कुछ है भी नहीं, फिर भी जबरदस्ती हम उससे क्या करते, रोज बात करते, अभी उसको कुछ समझा तो पाते नहीं, उल्टा हमको भगवान के विपरीत बहुत सारे वाक्यों को सुनना पड़ता है। समझ आ रहा है आपको, वो है पाखंडी, वो है मायावादी, लेकिन आपके पास उसके सवाल कोई प्रतिउत्तर नहीं है। आपको पहले ही दिन में यह बात समझ में आ जानी चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, किसी श्रेष्ठ भक्त का इंतजार करना चाहिए, उस व्यक्ति से बात करने देना, इस विषय में क्या कर देना चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। क्योंकि आप जितना सुनेंगे, अगर उसको प्रतिउत्तर में नहीं समझा पाए, समाधान नहीं कर पाए, तो जितने वो भगवान के संबंध में चीजें बोल रहा है, जितना गलत बोल रहा है, जितना गुरु के विषय में गलत बोल रहा है, सब आपको भोगना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए, फिर यह देखना चाहिए कौन इसको सही में इसका उत्तर दे सकता है। उस व्यक्ति के आने पर उस व्यक्ति को बुलाना चाहिए और उसको कथा में उस समय बिठाना चाहिए। क्या करेगा, उसके तो स्वभाव है वो प्रश्न करेगा, लेकिन सामने आया हुआ व्यक्ति शायद उसके प्रश्नों के उत्तर दूसरा दिखा रहे हैं ना, वो क्या होगा बाद में नहीं होगा, हमको ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर खुद वो चीजें करने की बजाय किसी भक्त के, गुरुदेव के इत्यादि के आने पर उसको बुलाना चाहिए। क्यों, क्योंकि गुरुदेव और वैष्णवों में ऐसी शक्ति होती, शायद वो आकर के उनके दर्शन से ही उस बातों को करना बंद कर देगा जो हमसे वो आर्ग्यूमेंट कर रहा है, बहस कर रहा है। तो ऐसे पाखंडियों का, ऐसे मायावादियों का संग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा संग करेंगे जरूर बुद्धि में कुछ ना कुछ उतर्तिक बात आएगी। और क्या होगा, अगर उसने अपनी बात बड़ी सिद्ध कर दी तो कहीं ना कहीं मन में ये आ जाएगा, कह तो ये भी सही, कह तो ये भी सही रहा, जहां इतना आया अब तक जो हमने भगवान के विषय में उनकी स्थिति को समझा था वो सब क्या हो गई, उस चीज के सामने नीची हो गई। तो जनसंग करने से कहीं ना कहीं हमारी भक्ति को विनाश होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसी विषय पर आप लोग भी ध्यान रहना, अगर किसको तैरना नहीं आता है ना, अगर पानी में छलांग लगा तो क्या होगा, डूब करके मर जाओ। इसलिए गुरुदेव का समय में कोई एक था, कोई शिष्य था, उसने सहजिया में चला गया और उसमें दीक्षा मंत्र लेकर के फिर तो गुरुदेव को ही छोड़ दिया, फिर अपना गुरुदेव क्यों छोड़ दिया, कहाँ इतने बड़े गुरुदेव है, राधा रानी की है, राधा रानी की मंजरी है, राधा रानी खुद कहती है नारायण गोस्वामी मरी कौन है, कभी मेरी सखी है, स्वयं राधा रानी की बात को कहती, और इतने बड़े महापुरुष को छोड़ करके कोई सहजिया है, उल्टा पुल्टा भक्ति भक्ति जिसका कोई मतलब नहीं है, उसने उनका संग किया तो बास उसको प्रभावित कर दिया। इसलिए देखो, इसलिए भक्त कितने तरह का भक्त बोले, बोले तीन तरह का भक्त है, एक उत्तम भक्त, एक मध्यम, एक कनिष्ठ। आप बताओ तो क्या क्या सुना था, किसको याद है, बताओ तो। हमने जो तीन तरह का भक्त बताया था उनका क्या क्या लक्षण है, किसको याद है, तो कौन बोल सकता है, जब उत्तम मध्यम कनिष्ठ है, कौन कौन किसको किसको याद है, सब भूल गए क्या, इसलिए बोला काफी फल लेके आया कर और इसको लिखा कर, किसको बात में काफी फल लेंगे, और कौन लाएगा, इसलिए देखो, इसलिए बोले उत्तम भक्त वे ही जो अपना भक्ति को स्वयं अच्छे तरह से करे, और दूसरों अगर कोई व्यक्ति अगर कोई आर्गुमेंट करे
तर्क वितर्क करें, उसको खंडन करते हुए अपना भक्ति सिद्धांत को जो स्थापन करें, अपना भक्ति पक्के और दूसरों को भी समझा बुझा करके दूसरों को भी जो भगवत भक्ति में अनुप्रेरणा कर दे, यदि उत्तम भक्त है। बोले मध्यम भक्त कौन है? बोले मध्यम भक्त हुए हैं जो अपना भक्ति को एकदम पक्के रखे, दूसरों का समझा नहीं पाता है लेकिन वो अपना भक्ति को ठीक ठीक से अपना भक्ति को जो ठीक ठीक से जो कर ले। बोले कनिष्ठ भक्त कौन है? सबसे नीचे कौन है? जो भक्ति में बड़े डामा कर ले, जब इच्छा करेगा तो माला कर लेगा, इच्छा करेगा तो तिलक कर लेगा, इच्छा करेगा तो सवेरे उठ कर भक्ति कर लेगा, जब इच्छा नहीं होगा ना बस माला जहां तहां लटक रहा है। माला तिलक से, गुरु मंत्र से, देखो जब गुरु जी से एक बार हम मंत्र लेते हैं, अगर गुरु मंत्र को अगर जप नहीं करेंगे लोग, धीरे धीरे वो मंत्र शक्ति धीरे धीरे नीचे उतरने शुरू हो जाता है, मंत्र शक्ति धीरे धीरे और नीचे उतरना शुरू हो जाता है, हैं? अगर पूरा कुछ दिन मंत्र नहीं बोल कर दो बार गुरु जी से मंत्र सुननी चाहिए, मंत्र खत्म हो जाता है। इसलिए गुरु जी से जब हम मंत्र लेते हैं कोशिश करनी चाहिए, हरि नाम तो रोज करनी चाहिए, अपना खाना भूल जाए लेकिन हरि नाम जैसे नहीं भूले अपना खाना। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि लागी आछय प्राण किसु को लागिया, नरोत्तम दास कर नागल भैया बंगला। अगर भजन नहीं होता है ना मर जाओ, वो कहते हैं अगर भजन नहीं कर पाते ना क्यों गधे सुअर के जितना नहीं रह रहे। इसलिए बोले जीवन सबो तो जिंदा रहते हुए भी वो व्यक्ति मरा है कि भागवत का सो जीवन सबो, और जीवित अवस्था में भी वो व्यक्ति मरा हुआ व्यक्ति जो भगवान की भजन नहीं करता है, जो जीवा से प्रभु का नाम नहीं लेता है, कान से ठाकुर की कथा नहीं सुनता, बोले जीवन सबो ये श्लोक है, जिंदा अवस्था में भी वो व्यक्ति मरा हुआ। और नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं भैया कौन सा सुख पाने के लिए तुम जिंदा हो, किस सुख ला गया, कौन सा सुख पाने के लिए तुम जिंदा हो, किस लिए जिंदा? नरोत्तम दास कर नागलम बढ़िया, तो क्यों मर नहीं जाते हो, जिंदा क्यों हो? बोल रहे अगर भजन नहीं हो पाएगा ना, कहते भैया जीवन का कोई महत्व नहीं, तभी ये जीवन को धारण करो, अगर इसी जीवन में भगवान की भजन कर पाओगे तो, नहीं तो नहीं। इसलिए गुरु जी से जो मंत्र लिया है उसको त्रिसंध्या सवेरे दोपहर और शाम को तीन टाइम ये मंत्र को कर लेनी चाहिए, और सवेरे उसको दो बार कर लो, और दोपहर के लिए सवेरे दो बार कर लोगे दोपहर के लिए हो गया, और शाम को जो फिर वापस आओ फिर मंत्र को दो बार फिर करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए नियमित पूर्वक अपना मंत्र को नियमित पूर्वक ये मंत्र को ध्यान से करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए कहती है कनिष्ठ भक्त है, हैं? कभी कोई डामाडोल सा भक्ति, इसलिए हमें कनिष्ठ भक्त नहीं होनी चाहिए, कम से कम मध्यम हो, मध्यम मतलब जो अपना भजन को पक्के कर ले, हैं? और जो उत्तम हो पाए तो बहुत अच्छी बात है, उत्तम हो तो बहुत अच्छी बात। इसलिए इसकी बेकार में आकर के अपना गुरु परंपरा त्याग देना, कहीं उधर उधर चले जाना, अगर आप उत्तर कहीं नहीं दे पाते हो श्रेष्ठ वैष्णव के पास में आओ, उनसे पूछो, उनसे लेकर के शास्त्रार्थ करो। इसलिए इसमें कहते जन संघर्ष, और एक चीज है कहते जो जन संघर्ष है, देखो ऐसे व्यक्ति का संग करनी चाहिए, अपने से कभी नीचे व्यक्तियों का संग मत करो, प्रभुपाद कहते अपना से नीचे व्यक्ति को संग मत किया करो, कम से कम अपना बराबर नहीं तो आपसे जो ऊंचा है, प्रभुपाद आपसे बराबर नहीं तो आपसे जो थोड़ा ऊंचा, नहीं तो क्या होगा हमारी जो भक्ति है ना, कितना जैसे संग कर रंग वैसे बदलेगा, संग से तो रंग बदलता है। अगर तुम जितने भजन तुम्हारी लेवल है अगर उसका नीचे व्यक्ति का भक्ति करोगे ना, संग करोगे तुम्हारी भक्ति भी नीचे उतर करके आ जाएगी। जैसे किसी कारण से तुम्हारी मन खराब हो गई, अगर किसी कारण से तुम्हारी मन अगर खराब हो गई, अगर तुम्हारी नीचे वाले व्यक्ति को पास में तुम जाओगे फिर ये क्या होगा, तुमको भड़का देगा, तुमको बहका देगा, ऐसा कुछ नहीं होता, बेकार से भजन भजन है, ये सब करके क्या होगा, देखो हमने क्या किया होगा, उसको क्या किया होगा, उसको क्या किया होगा, सब बेकार है, फिर क्या होगा तुम्हारी भक्ति और नीचे उतरते हुए आ जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा नीचे उतरेगा। लेकिन अगर कम से कम अपना बराबर व्यक्ति को संग करोगे,
कम से कम भक्ति तुम्हारे पीछे नहीं उतरेगी। अब तुमसे जो अच्छे थोड़ी सी उच्चे अगर उसको करोगे तो भक्ति धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे धीरे तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी, तुम्हें उत्साह मिलेगा, भजन करने की इच्छा करेगी। इसलिए कभी भी अपना से नीचे व्यक्ति का कभी संग्रह मत किया करो, फिर तुम्हारी भक्ति नीचे आना शुरू हो जाएगी। इसलिए श्री रूप गोस्वामी बड़ी अच्छी अच्छी बात उसमें बताते हैं जिसमें तुम्हारी भक्ति विनाश हो जाएगी। छठा है लोलस, लोलस से तो ज्यादातर सबके अंदर कभी ना कभी आ ही जाता है। लोलस का मतलब है जो भक्ति के अनुगत चीजें नहीं है, जो मार्ग भक्ति का नहीं है, उसमें कुछ आकर्षण देख के कभी उसके प्रति भी मन में लालच हो जाएगा, समझ गए? कभी जैसे महाराज जी कह रहे सहजिया इत्यादि लोगों को हम देखते हैं, वो कैसे डूब के एकदम नाच रहे हैं, कपड़े लहंगा पहन के इत्यादि नाच रहे हैं, हम तो छोटे भक्त बड़े हैं, लेकिन क्या उनके अंदर भाव है, क्या उनका ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि श्री रूप गोस्वामी के इतने बड़े सिद्धांत के आगे भी वो लोग और एक रूप बना करके नाच रहे, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में जाकर नाच नाच कर प्रसन्न कर रहे। हम लोग उनके पीछे आकर्षित हो गए, हमको लगा मन में अरे वाह वाह क्या बात है, क्या भक्ति, कैसे रो रो के नाच रहे, पता नहीं चलेगा। भक्ति तत्व विवेक में लिखा कि अगर कोई रुदन भी कर रहा है, अंशु पुलक भी आ रहा है, ये पहचान नहीं है कि वो शुद्ध भक्त है, उसमें और भी बहुत सारे लक्षण है शुद्ध भक्ति। अगर केवल रो रहा है कथा करते करते और केवल उसके पुलक आ रहा है, काम भी रहा है, समझ नहीं शुद्ध भक्त है। बाद में वहां से उठने के बाद जीवन में क्या आचरण है ये भी पता करना पड़ेगा। खाली उस समय पर देखने के लिए दिख रहा, बाद में कुछ और नहीं दिख रहा, कुछ है ही नहीं जीवन में, भगवान भक्ति कुछ है ही नहीं, हमको कैसे पता चलेगा। इसलिए कुछ चीजों को देख करके उनमें लालच उत्पन्न हो जाना, उनके प्रति भागना, यह भी बड़ी अच्छी बात है। यह लोलस से हमको बचना पड़ेगा। और इसमें एक और बहुत जरूरी वस्तु है कि जब हम किसी भक्त का संग करते हैं, जब हम किसी भक्त का संग करते हैं, मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक स्कूल में एक प्रिंसिपल ने एक स्कूल खोला हुआ है, मुझे हाथ खड़े करके बच्चे बताना कितने स्कूल के ऐसे प्रिंसिपल हैं जिनके बच्चे टॉप करते हैं स्कूल के। आप एक भी एग्जांपल बड़ी मुश्किल ढूंढेंगे, लाखों स्कूलों में कोई स्कूल ऐसा मिलेगा जहां प्रिंसिपल के बच्चे ने स्कूल टॉप किया हो। आपको समझ में आ रही है मेरी बात कि यह जरूरी नहीं है जो डिग्री कॉलेज खोल के बैठा है, जो प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठा है, वो अपने बच्चे को इतना योग्य बना देगा कि वो डिग्री कॉलेज टॉप कर देगा, तो स्कूल को टॉप कर देगा। वो टॉप वही करेगा जिसके अंदर वो योग्यता है। क्लास सबके लिए वही चल रही है, स्कूल सबके लिए वही चल रहा है, पढ़ाई भी सबके लिए वही चल रही है, उल्टा उस बच्चे के लिए ज्यादा सहूलियत है, ट्यूशन भी फ्री में मिल सकती है, स्कूल में जब चाहे जब आ सकता है, जिस टीचर से चाहे बात कर सकता है, तो पिता प्रिंसिपल है, लेकिन फिर भी वो टॉप नहीं कर सकता। इसके लिए क्या प्रिंसिपल दोषी है? कितने लोग मानते इसके लिए प्रिंसिपल दोषी है? हाँ तो गाओ, कोई मानता है नहीं? इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए बच्चा स्वयं दोषी है। इसलिए उस बच्चे के ना काबिल बन पाने के लिए प्रिंसिपल कहीं भी दोषी नहीं है। इसलिए एक बात को बड़े अच्छे से समझ लेना कि कोई भक्त अगर कथा में कुछ बोल रहा है और उसका फैमिली मेंबर उस चीज को फॉलो नहीं कर रहा है, इसके लिए वो भक्त कहीं भी दोषी नहीं है। आपको उस भक्त के आचरण को देखना होगा, ना कि उसका परिवार भी वही करने लगे तो फिर सारे ही वैष्णव बन जाएंगे। हमेशा याद रखना, गाँव में कहावत यह थी, दिए के नीचे अंधेरा। दिया सब तरफ तो रोशनी करता है लेकिन खुद के नीचे अंधेरा रहता है। और एक और उदाहरण देते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। एग्जांपल सबके लिए सेट है, घर के लोग तो उस चीज को समझने के लिए एग्री होंगे ही नहीं। इससे क्या होगा, उस दोष को देख करके आपको जो भक्ति संगत मार्ग मिल रहा था, जो बातें सुनने को मिल रही थी, वो भी नहीं मिलेगी। और क्या होगा, आप उसके चक्कर में दूसरे व्यक्ति से अपने खुद भक्ति अपराध करने लग जाओगे, क्योंकि वो नहीं मान रहा, उसका अपना जीवन है, आप मानोगे आपके जीवन में एक अलग परिवर्तन आएगा। तो यही लौलस्य है, एक को देख करके दूसरे के प्रति चीजें नहीं सोचनी, हमको अपनी भक्ति कैसे बढ़ानी है इस बारे में विचार करना पड़ेगा। कोई भक्त किसी भी चीज के लिए खुद दोषी नहीं है जब तक वो खुद उस दोष को नहीं करता। तो इस चीज को समझ करके अगर कथा में हर चीज में जीवन में अपनाओगे तो बहुत जल्दी भक्ति आगे बढ़ सकती है। तो लौलस्य यही है, दूसरे के आकर्षण को देखते आकर्षित नहीं होना। हमारे गुरुवर्ग, हमारी गुरु परंपरा क्या कह रही है, उन बातों में हमको रस नजर आए ना आए, लेकिन याद रखना इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो किसी जन्म में तुम्हें वो रस की प्राप्ति जरूर होगी, जो एक बूंद श्री रूप गोस्वामी पाद को श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने दिया था। उसको अगर उस एक बूंद का एक छींटा भी, बूंद में भी छींटा होते, कई बूंद सब छींटे निकलते हैं, महाराज जी का ना छींटे छींटे, एक बूंद सबके लिए बहुत है, तो हम तो वो छींटी छींटे भी नहीं है, उस बूंद के भी एक करोड़वें अंश को भी आस्वादन नहीं कर पा रहे हैं। तो वो स्थिति तक हम कब पहुंचेंगे, हम गुरुवर की कृपा से पहुंचे जिनके पास ये रस है,
हम अपनी कृपा से रस को खींच लेंगे, हम वहां जाएंगे वहां से रस ले आएंगे, हमने वहां देखा बड़ा अच्छा वो होता है वहां से हमको रस मिल जाएगा, नहीं। ये सिर्फ भक्ति विनाश की चीज है, कुछ नहीं। इसलिए गुरु वर्ग की बातों को सुन करके उन्हीं को पालन करने की चेष्टा करो। ये था लो रस, ठीक है। वांछा कल कृपा अधिका नाम वैष्णव्यो नमो नमो। जिनको कथा सुनना सुना दिए ना, हमने जो उपदेशात्मक ग्रंथ बोले उनमें ये दूसरा नंबर श्लोक है, श्लोक नहीं दूसरे नंबर श्लोक है। पहला नंबर श्लोक बहुत अच्छा है, दूसरा नंबर श्लोक अच्छे है और पंचवा नंबर श्लोक और भी अच्छा है। आप लोग अगर धीरे 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 देखोगे उसमें बड़े सुंदर सुंदर बात है। अगर आप उसको पढ़ सकते हो एक एक श्लोक को, जिसको बोलने की इच्छा है आप एक श्लोक को पढ़ करके आओ और उसी श्लोकों को आप बोलो, उनके चरण में पुष्पांजलि देना हो जाएगा, ठीक है ना। ग्रंथ का नाम क्या है? कौन सा ग्रंथ का नाम? उपदेशामृत। इसलिए वो उपदेश अगर कोई जीवन में अपनाएगा जरूर उसके जीवन में अमृत की प्राप्ति होगी, उसके जीवन में अमृत मिलेगा। इतना सुंदर ये उपदेशामृत ग्रंथ है। बोले श्री रूप गोस्वामी की जय। बोले श्री सच्चिदानंद गौस्वामी की जय। हरे कृष्णा। अभी हमारे हरे कृष्णा कल ये लोग। हाँ देखो, हम लोग जो कथा सुनने जा रहे थे वो कथा का नाम था श्रीमान महाप्रभु प्रयाग में श्री रूप गोस्वामी को क्या शिक्षा प्रदान। आप किसी विषय पर सुनने जा रहे थे लेकिन उसको शुरुआत करने से पहले हम लोगों ने उनकी सुंदर सुंदर चरित्र को हम लोगों ने श्रवण किया है। अभी हम स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो उन्होंने क्या शिक्षा दिया है, ठीक है। थोड़ी सी कितना टाइम हो गया? आठ आठ पंद्रह हो गया, दस और दस मिनट सुनने, ठीक है। हरे कृष्णा। देखो सुना अभी महाप्रभु रूप गोस्वामी को क्या शिक्षा दे रहे हैं। कहते तो भक्ति समुद्र एक अथा है जिसका कोई आर पार नहीं, और महाप्रभु कह रहे हैं मैं उसका एक बूंद में चखाने जा रहा हूँ। बोले क्या चखाने जा रहे हैं? बोले ये बदला भाषा है। बोले एई मत ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण, चौरासी लख जोनी ते कराए भ्रमण, कैसा ग्रसत भाग पुन सतांश करी, तार सम सुख जिबेर स्वरूप विचार। महाप्रभु कह रहे हैं कि हम लोग जैसे ये पृथ्वी में ये धूल कणा को जैसे हम गिन नहीं सकते, जैसे बारिश का बूंद को जैसे हम गिन नहीं सकते, जगत में इतने जीव है जिसको हम गिन नहीं सकते। आप एक गिलास पानी ले लो, आप देखना एक गिलास पानी में इतने बैक्टीरिया है, ये पृथ्वी में इतने जीव नहीं है। आप विश्वास करते कि नहीं? इसके अंदर इतने बैक्टीरिया एक गिलास पानी को अंदर, इसलिए जगत में अनंत जीव है, हम उसको हम कभी गिन ही नहीं सकते, इतने जीव है। इसलिए जो जितने जीव है हम कैसे भ्रमण कर रहे हैं, हम 84 लाख जन्म में भटक रहे हैं। बोले कहते भैया 84 लाख जन्म क्या किया है? बोले जलजा नवलक्षणा, भगवान भूल करके पानी को अंदर में जलजा नवलक्षणा, पानी को अंदर में 9 लाख बार जन्म लेना पड़ता है। जितने मांस जितने मछली बछली खा रहे ना, अगले जीवन में हम भी मछली हमें बनना पड़ेगा, वो मछली फिर हमें उल्टा मछली हमें खाएगा, इसलिए इसको कहते हैं मांस। मांस मतलब क्या? मांग मतलब मुझको, स मतलब हुआ अभी जिसको खा रहे हो, और तेरे को जो बात में फिर दो बार खाएगा। इसलिए हम भगवान को भूल करके पानी को अंदर में 9 लाख बार जन्म लेना पड़ता है। बोले स्थावरा लख विसर्जित, बोले मिट्टी के ऊपर में 20 लाख बार जन्म लेना पड़ता है। बोले क्रीमया मतलब क्रीमे की टी पर 11 लाख और 63 लाख बसव, जितने जानवर हैं ये 30 लाख बार जानवर जन्म लेना पड़ता है। ऐसे करते हुए हम जीव अनादिकाल से कभी राजा बनता है, कभी प्रजा बनता है, कभी सुखी बनता है, कभी दुखी बनता है, कभी पेड़ बनता है, कभी पौधा बनता है, कभी नरक में जाता है। ऐसे करते करते जीव
ये 84 लक्ष जन्म में हम भटक रहे, भटकते भटकते अनंत 84 के सागर सत्य के भाग में पुनः संतास गई। कहती है जीव का स्वरूप क्या है, देखिए यहाँ पर बताए जैसे हमारा केस है ना बाल है, कहते बाल की अग्र भाग को ले लो कितना छोटा होगा, कहते उसकी अग्र भाग को फिर सवार करो, उसकी अग्र भाग को फिर सवार करो तो जितने सूक्ष्म होता है जीव का स्वरूप कितना सूक्ष्म है। इसलिए हमें ये आत्मा नहीं दिखती, तभी तो एक ग्लास के अंदर इतने बैक्टीरिया है, इतने बैक्टीरिया पृथ्वी में इतने इंसान में नहीं होगे। इसलिए महाप्रभु यहाँ पर बहुत सारे शास्त्रों से जीव का परिमाण कितना है या 3-4 शास्त्र से उदाहरण देकर कहते हैं जीव कितना क्षुद्र कितने छोटा ये जीव है। कहते उसमें कहते तार मध्य स्थावर जंगम द्वीप है, जंगमे तिरजग जाल स्थल चर विभेद। कहते ये जितने जीवों को विभाग कर रहे हैं, बोले क्या भाग कर रहे हैं, कहते ऐसे कुछ जीव है वो कहा, कहते स्थावर और जंगम। स्थावर मतलब होता है जैसे ये पेड़ पौधा है एक जगह पर जो खड़े हैं जो हिल डुल नहीं पाते इनको कहते स्थावर। बोले जंगम मतलब जो चलते फिरते इनको कहते हैं जंगम। कहते उसका अंदर में जो जंगम है उसका अंदर में फिर जंगम में तिरजग जाल स्थल जल विभेद, जो चलने वालों को उन्होंने 3 भाग किया, चलने वालों को उन्होंने 3 भाग किया। क्या क्या किया 3 भाग, क्या क्या 3 भाग? बोले तिरजग, तिरजग मतलब होता है जो आकाश में उड़ने वाले जितने पक्षियां हैं इनको तिरजग कहते हैं। उसमें ऐसे कुछ प्राणी हैं जो पानी में भी रहते हैं और वो स्थल पर भी रहते हैं, मिट्टी के ऊपर कुछ ऐसे प्राणी जो दोनों स्थान में रहते हैं और ऐसे कुछ प्राणी हैं केवल जो स्थल में रहते हैं वो पानी में नहीं रहते, ऐसे प्राणी हैं। लेकिन इसके अंदर में बोले तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर तार मध्य पुनीत बहुत असल, कहते इनका अंदर में ये जो मानव शरीर है बहुत कम है, मानव शरीर ये सारे जितने जगत में जीव है बहुत कम है। जिसके लिए भगवान कृष्ण स्वयं उद्धव जी को कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते मानुष्यम् अर्थदम् अनित्यवित् अधीरः। भगवान कृष्ण खुद कहते हैं हे उद्धव जी ये जो मानव शरीर है लब्ध्वा सुदुर्लभ, वो दुर्लभ नहीं कहते हैं, ये मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ ये मानव शरीर है, जिसको भगवान राम भी एक बात कहते हैं, दोनों प्रभु एक ही बात कहते हैं। भगवान राम अयोध्या वासियों को क्या समझाते हैं बाबा बता, बोलो क्या बोलते हैं बोलो। इसलिए भगवान कहते हैं है? क्या बोलते हैं भाग्य मानव देवताओं को दुर्लभ है हरे कृष्ण कि साधन दान करो सेवा करो एक कर है इसके नाम है करो है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जो परलोक सारा तो परक्त दुखताओं सिर धुन धुन पछताए अयोध्या वासियों को बैठा करके समझा रहे, बोले हे अयोध्या वासियों ये जो मानव शरीर है बड़े भाग्य मान नजर धन पावा, ये जो मानव शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, बल्कि कितने भाग्य, बोले सुर दुर्लभ, कहते जगत में पुण्य कर्म करके में तो स्वर्ग जा सकते हो लेकिन स्वर्ग में ऐसे कोई काम नहीं जो करके फिर मानव शरीर पा सकते, कहते स्वर्ग में जा सकते हो लेकिन स्वर्ग में भी अगर कोई बोले फिर आगे मानव शरीर मिल जाए, बोले नहीं
स्वर्ग में केवल तुम्हारी पुण्य क्षय होगा, कर्म ज्योति तो केवल मानव शरीर और विशेष करके भारत में जन्म लेना बड़ा भाग्य से भारत में जन्म मिलता है। इसलिए हमारा देश का नाम क्या है, इंडिया नहीं है, ये भारत है। ये हमारी देश भारत, भारत मतलब क्या, भा मतलब होता है प्रकाश, रत मतलब होता है जो प्रकाश में जो रत रहते हैं, हर समय जो प्रकाश में रत रहते हैं इनको भारत कहते हैं। इसलिए ये भारत भूमि में फिर हिंदू घर में जन्म लेना तो भारत में तो जन्म ले सकते हो, लेकिन हिंदू घर में जन्म लेना बड़े साधारण भाग्य नहीं, बड़े भाग्य से कहीं हमको ये सनातन धर्म में हमें भगवान जन्म ग्रहण किया है। इसलिए कहते हैं जो मानव शरीर किया बोले साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जई पर लोक सदा। यदि मानव शरीर नहीं ये क्या है बोले साधन धाम मतलब क्या है, ये 84 लक्ष जीवन में एक ही जीवा मिला है, जिस जो एक जीवा में आप हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, और एक बार जोर से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे जिसमें भगवान का नाम ले सकते हैं, दो ही हाथ दिए जिससे हम ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, दो ही कान दिए जिससे हम कृष्ण कथा सुन सकते हैं, दो ही आंखें दिए जिसमें भगवान की मूर्ति दर्शन कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं मानव शरीर नहीं है क्या है, मुक्ति की दरवाजा पर हम खड़े हुए हैं, मुक्ति की दरवाजा पर हमें खड़े हुए हैं। इसलिए भगवान और एक जगह पर कहते हैं बोले देत ईष्ट बिनु हेतु सने। अगर कोई सोचे नहीं हमने कोई बढ़िया कर्म किया था ना, इसलिए भगवान हमें मानव शरीर दिया, लेकिन भगवान कहते देत ईष्ट बिनु हेतु सने, ये मत समझो तुम्हारे भाग्य से मिला, बोले तेरी कोई भाग्य नहीं था, ईश्वर ने कैसे तुम्हें कृपा करके ये मानव शरीर ईश्वर ने कैसे कृपा करके दे दिया, क्योंकि जगत में अनंत करोड़ों जीव है जिसका कोई इयता नहीं, मानव शरीर बहुत उसमें ये मानव शरीर बड़े भाग्य से ये मानव शरीर दिया। भगवान कहते अगर तुम्हें ठाकुर जी मानव शरीर दे दिया लेकिन संसार का सारे कर्तव्य तो किया है, लेकिन केवल एक कर्तव्य नहीं किया, कौन सा कर्तव्य, भगवान की भजन तुमने नहीं किया, बोले लास्ट में सब जीरो हो जाएगा, लास्ट में सब के सब ये तुम्हारी जीरो हो जाएगी, अंतिम समय में जाओगे तो क्या बोलते बोलते ले जाएंगे, राम नाम सत्य है, यही बोलेंगे ना राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा, यही बोलेंगे ना, जितने प्रभु का भजन किया वही जा रहा है, और तुमने जो कुछ किया तुम झूठे में बिताए, सत्य तब तुमने झूठे में बिताया, कोई साथ नहीं जा रही तुम्हारी। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं मानव शरीर बहुत कम, लेकिन उसका अंदर में अगर किसको मानव शरीर मिल भी गया उसमें भी बहुत सारे फर्क है, और उसमें क्या फर्क है बोले तार मध्य म्लेच्छ, ऐसे कुछ जन्म जो म्लेच्छ लोग है, जो एकदम ब्लेच्छ, ब्लेच्छ समझते हो, इसलिए ब्लेच्छ किसको कहते हैं, मुस्लिम बाबा किसको ब्लेच्छ कहते हैं, उसमें ये मुसलमान को ब्लेच्छ कहते हैं, इसलिए कहते हैं ये ब्लेच्छ, उसके अंदर में अरे पुलिंद बौद्ध और सबर, मतलब ऐसे कुछ लोग हैं जो जंगल में रहते हैं, जो जानवर को मार के खाते हैं, अभी भी जंगल में आप देखोगे नंगे लोग अभी भी रहते हैं, अभी भी जिनकी सभ्यता भव्यता उनकी कुछ भी नहीं, सभ्यता भव्यता असभ्य जैसे जीवन को बिताते हैं ऐसे कुछ लोग हैं, लेकिन उसके अंदर में बहुत उत्तम व्यक्ति होते हैं जो वेद शास्त्र ग्रंथों को मानने वाले, बहुत कम व्यक्ति जो वेद शास्त्र को मानने वाले होते हैं, बहुत कम उसके अंदर में, लेकिन उसके अंदर में वेद को तो मानते केवल मुंह से मानते हैं,
लेकिन वेद ऋषि का कार्य करे धर्म नहीं करे। वेद शास्त्र सब मानते हैं लेकिन करते समय ना सब उल्टा करते हैं, सब उसकी उल्टा काम करते हैं। धर्म धर्म से कोई जिनकी मतलब नहीं है, लेकिन जो लोग वेद मानते हैं वह अपना जीवन में आचरण करते हैं धर्मचारी मध्ये। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति है जिनको कर्म में ही निष्ठा, जिनको कर्म में निष्ठा, बोले कर्म में निष्ठा मतलब क्या है, जिनकी यही इच्छा है दान करे पुण्य करे दूसरों को दान दे, लेकिन करके कहा चल जाए, बोले स्वर्ग जाए। स्वर्ग जाकर क्या करेंगे, अपना भोग सुख अप्सरा रम्मा मेनका इनको साथ में सुख भोग करेंगे, हैं इनके साथ में सुख भोग करेंगे, अपना जगत का पुण्य कर्म करेंगे, जिसमें भगवान के साथ में जिनकी कोई मतलब नहीं, अपना स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं। कुछ ऐसे लोग है करते हैं कर्म, कर्म करके ठाकुर जी ये सब चीज करके हम देते हैं, इदम सर्वम कृष्णार्पण वस्तु भगवान को देते हैं। लेकिन ऐसे जो कर्मी जो सत्कर्म करने वाले हैं, लेकिन उसका अंदर में बहुत कम व्यक्ति जो ज्ञानी, ज्ञानी मतलब कहते ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न स्वचन्ति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पुरा। ऐसे कुछ लोग होते जो भगवान को निराकार मानने वाले, भगवान का रूप नहीं गुण नहीं लीला नहीं कुछ नहीं, भक्ति भक्त भगवान त्रिपुटी बिना सके है, जो भक्ति भक्त भगवान सबको एक मान करके लास्ट में वो ब्रह्म ज्योति में हम जाकर लीन हो जाए उसी ब्रह्म ज्योति में, ऐसे कुछ लोग कहते कोटि 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 करोड़ करोड़ ऐसे व्यक्ति के अंदर में भगवान कहते हैं एक विशेष व्यक्ति होते हैं जो भगवान श्री भगवान कृष्ण को भक्ति करते हैं। भगवान कृष्ण भक्ति में आने वाले गुरुदेव तो और एक बात कहते हैं करोड़ करोड़ में ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं जो नारायण परायण, जो नारायण परायण जो भक्ति ये बड़े दुर्लभ भक्ति है। ऐसे नारायण परायण भक्ति में जिसमें भगवान राम को जो भक्ति करने वाले और दुर्लभ है, उन्हीं भक्ति में उन्हीं भक्ति में और बड़े दुर्लभ भक्ति है कौन है, जो द्वारकाधीश भगवान को भक्ति करते हैं, उसमें और विशेष भक्तिमान है जो श्री मथुरेश कृष्ण को भक्ति करते हैं। लेकिन उसी के अंदर में भी और बड़े सौभाग्यवान जो श्री वृंदावन बिहारी लाल श्री कृष्ण चंद्र को भक्ति करते हैं, बड़ा श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन गुरुदेव और एक बात करते हैं, बड़े जो वृंदावन बिहारी लाल को भक्ति करते हैं वो भी तीन तरह के भक्ति, कितने तरह के, तीन तरह के क्या है, बोले एक भक्ति होता है भगवान को जो अपना सखा मान करे कृष्ण को साथ में अपना दोस्ती, कृष्ण हमारे दोस्त यार दोस्त है, कभी कृष्ण को कंधे पर चढ़ाते हैं चढ़ते हैं उनके साथ खेलते हैं कूदते हैं आनंद लेते हैं। लेकिन उसमें और दुर्लभ भक्ति है जो मैया जसोदा की भाव से कन्हैया मेरे लाला है, कभी उसको कान मोल देते हैं, कभी अगर मक्खन चोरी किया ना हाँ कभी मटकी पड़ी तो उखल में बांध देती है, अगर कभी मक्खन चोरी किया मैया कहते लाला तेने मक्खन खाई, और कृष्ण क्या कहते हैं बोले मैया मोरी मैंने मार हर खायो सुन मैया मोरी मैंने मैया मुझे लाला तेने मक्खन खाई डर जाते, बोले मैया मैंने मक्खन नहीं खाई, सवेरे होते ही मधुबन भेज दिया, दिन भर गैया चराते चलते शाम को आया, अरे रात भर तेरे गोद में सोया था कि नहीं, बोले हाँ, बोले बताओ दिन भर गैया चराया रात को तेरे गोद में सोया, फिर तो मैं बालक गैया को छोड़ो आज भी तेरे पास सुन
भक्ति श्रेष्ठ है, सख्य रस से ये बात्सल रस श्रेष्ठ है, लेकिन ये बात्सल रस से भी जो श्रेष्ठ रस है ना वो श्रृंगार रस है, मधुर रस है। इसलिए गुरुदेव कहते गोपियों ने जैसे भक्ति की, अगर कभी हैं रास करते करते रास करते करते कभी अगर गोपियां जैसे रास को छोड़ नहीं देती है, इसलिए कृष्ण कभी कभी उनके चरण में सर झुका देते हैं। कहते गोपियां ब्रह्मा जैसे परमा लेकर के भी तुम्हारी ऋणी को मैं कभी छुका नहीं सकता, केवल इनके चरण में कृष्ण अपना ऋणी को स्वीकार करते हैं। ऐसे भक्ति है, ऐसे भक्ति सर्वश्रेष्ठ। लेकिन गुरुदेव कहते हैं इससे भी और भी श्रेष्ठ है। बोले क्या? गुरुदेव कहते हैं इसमें भी दो भाग है, एक सखिया और एक परिया है। बोले सखिया मतलब क्या है? बोले सखिया मतलब होता है, हैं? इसलिए कृष्ण के साथ में शादी करके उसमें जो भावना है, और जो परिया मतलब होता है कृष्ण को हम पर पुरुष मान करके केवल प्रेम को ही सर्वतम रूप में रख करके जो भक्ति है सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति में भी ये गोपियां भी जिनकी चरण की उपासना करती हैं, ये गोपियां भी जिनकी चरण की उपासना करते हैं। बोले भैया किसकी चरण की उपासना करते हैं? बोले सर्व गोपी सुवैया विष्णु रतंत वल्लभा, जो कृष्ण की सबसे जो प्यारी सखी है वो कहने हैं बोले श्रीमती राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। बोले श्री वृषभानुराज नंदिनी की जय। यदि इनकी जो भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, फिर गुरुदेव कहते हैं अभी ये चीज मिलेगा किसे? ये भक्ति तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ये भक्ति मिलेगी कैसे? श्री चैतन्य महाप्रभु धीरे धीरे उसका क्रम तोड़ता है, ये भक्ति तुमको मिलेगा कैसे? फिर गुरुदेव बहुत अच्छी रूप में कृपा गोस्वामी की शिक्षा को, गुरुदेव की कथा है, अब लोग जो ऑडियो देख रहे हो देखना, गुरुदेव की कथा है बड़ी सुंदर रूप में सुनाते हैं। फिर ये कथा को हम फिर कल सुनेंगे, फिर वो दुर्लभ भक्ति हमें मिलेगी कैसे? वो भक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसका हमें साधन कैसे करना पड़ेगा? ठीक है जीत, जीत प्रभु जी जीत कहा है? हरे कृष्ण जीत गाने चला सो, और दूसरे जीत छोटा जीत गाने चला सो, उधर है हरे कृष्ण कहाँ है कहाँ है? है यहाँ पर ऊपर में होगा ना, ऊपर में आ रहे, इसलिए ये भक्ति को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और ये चीज को हम कल सुनेंगे, और ये हमारे जीत प्रभु से सुनाएंगे। इधर आ जाओ हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद स्तोत्र से श्री श्रीमद् भक्ति विधान श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, और उनकी अहित की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद समस्त गुरुवर के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ, और उनकी भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ, और हमारे बीच में आशीष पूज्यपाद श्री भक्ति विधान श्रीधर महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, महाराज जी की भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ, और जितने वैष्णव लोग वैष्णवी माताएं दीदी लोग सभी के चरणों में यथायुक्त प्रणाम करता हूँ। जैसे कि हम पिछले 5-6-7 दिन से रूप गोस्वामी की महिमा सुन रहे, और बहुत सारे भक्तगण लोग भी बोल रहे हैं महाराज जी ने जिस शिक्षा को शुरू किया रूप शिक्षा, ये जो रूप शिक्षा है इसका पहले दिन हमने इंट्रोडक्शन दिया था, रूप शिक्षा किसे कहते हैं, और ये रूप गोस्वामी को चैतन्य महापुरुष स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही चैतन्य महापुरुष के रूप में आए,
उन्होंने शिक्षा दी रूप गोस्वामी को और उनको हृदय से आदेश दिया, ये जो शिक्षा है 10 दिन शिक्षा दिया, 10 दिन और 10 दिन में बता रहे ना, ये एक बिंदु महाप्रभु ने कहा मैं तुम्हें जो शिक्षा दे रहा हूँ ना सिर्फ भक्ति रसायन जितना बड़ा समुद्र उसकी एक बूंद दे रहा हूँ। और उन्होंने कितना बड़ा ग्रंथ लिखे, कई सारे ग्रंथ लिखे, उसमें एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा तो दो है पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ भक्ति रसायन सिंधु। तो मैं कल बता रहा था कि हमें रूप गोस्वामी की महिमा क्यों सुननी चाहिए और हमें रूप शिक्षा क्यों सुननी चाहिए, क्योंकि हमारा हम जितने भी यहाँ पर बैठे सबका रूप गोस्वामी के साथ घनिष्ठ संबंध है। क्यों कैसे? और रूप गोस्वामी की हमारे ऊपर हम सबके ऊपर उनकी दया है, क्योंकि जब भक्ति रसायन सिंधु रूप गोस्वामी लिख रहे हैं उन्होंने एक श्लोक लिखा, उसमें कहते मैं जो ये ग्रंथ लिखने जा रहा हूँ ये क्यों लिख रहा हूँ, उन्होंने बोला भक्ति रसस्य प्रस्तुति अखिल जगत मंगलस्य। मैं जो भक्ति रस कृष्ण तत्व और जितना भी कृष्ण रस के बारे में जो लिखने जा रहा हूँ क्या अखिल जगत मंगलस्य जीव मात्र के लिए लिखने जा रहा हूँ। एक भी एक ऐसा जीव नहीं है, जैसे बता रहे 84 लाख योनि और कितने प्रकार के जीव है, सभी के लिए मंगल करने वाली है। क्यों? क्योंकि भगवान, हम लोग सभी भगवान के अंश है, भगवान को भूलने के कारण जगत में आ गए और रूप गोस्वामी चाहते हैं कि हम लोग दोबारा से भगवान को याद करें। और कैसे भगवान के चरणों में कैसे पहुंचेंगे वो बता रहे रूप गोस्वामी, सिर्फ एकमात्र भगवान से प्रेम के द्वारा। भगवान से हम प्रेम करेंगे और भगवान की सेवा करेंगे उसी को भक्ति बोलते हैं। भक्ति किसको बोलते हैं? भगवान का जो प्रेम है उसको ही भक्ति बोलते हैं। अब भक्ति बता रहे हैं चार प्रयाग में, विशेषकर चार तत्वों के ऊपर उन्होंने बोला, भक्ति तत्व, कृष्ण तत्व और भक्ति रस। ये जो जितना भी रूप गोस्वामी बोला उसमें भक्ति समझ लेते हैं हम 10-12 दिन में, भक्ति किसे कहते हैं, उन्होंने भक्ति की जो परिभाषा दी। और भक्ति कितनी महिमा है, भक्ति एक ऐसी वस्तु है रूप गोस्वामी बता रहे, भक्ति भगवान को भी वशीभूत कर देती है और भगवान भी हमारे भगवान जी मात्र के सेवक बन जाते, यशोदा जी के पुत्र बन जाते, नंद बाबा के पुत्र बन जाते। और भक्ति की क्या महिमा है उन्होंने बड़ी सुंदर रूप में विवेचना किया। भक्ति किसे कहते, अच्छा हमारे जो पाप दूर क्यों नहीं हो रहे, हमें जगत में क्लेश क्यों आ रहे, आप ये कह सकते हो हम तो हमें सुनने का क्या लाभ है। देखो जगत में जितना भी पाप, जितना भी क्लेश, जितना भी दुख आ रहा है ना, ये क्यों आ रहा है रूप गोस्वामी बता रहे। अब बताओ हम जो दुख का मूल कारण क्या है, क्लेश। और क्लेश किसे कहते हैं इसकी परिभाषा दी भक्ति के साथ, यदि हम नहीं समझेंगे ना, पहले उन्होंने बताया क्लेश कितने प्रकार के, तो बता रहे भक्ति की महिमा की क्लेश क्या होता है, पाप और अविद्या दो ही कारण है जीव के इस जगत में फंसने के, माया में फंसने के। और दुख के कारण क्या है, उसके पुराने जन्म में किए गए पाप, और पाप का कारण क्या, अविद्या। हम जब पाप करते हैं, अगर कोई विद्या कोई व्यक्ति बुद्धिमान हो और व्यक्ति के अंदर ज्ञान हो पाप नहीं करेगा। बच्चा आग में उंगली क्यों डालता है, अनजान के कारण डालता है, उसे ज्ञान नहीं है, और डालेगा तो क्या लगेगा, उसको जलेगा। हम भी जितने भी पाप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण कर रहे हैं। तो अविद्या कितने प्रकार की होती है, पाप कितने प्रकार के हो रहे हैं हमें पता भी नहीं, पाप कैसे कर रहे हैं। तो कल अभी तो देखो 7:30 हो गए, कल मैं इसके विषय में बताऊंगा कि क्लेश किसे कहते हैं और क्लेश से बचने का उपाय क्या है। क्लेश अपनी क्लेश अग्नि सुविधा सुदुर्लभा और मोक्ष लघु कृता कृष्ण आकृषि। भक्ति क्यों करनी चाहिए, रूप गोस्वामी ने भक्ति की परिभाषा बताई, भक्ति की महिमा बताई, भक्ति की जब और फिर भक्ति की परिभाषा बताएंगे भक्ति किसे कहते हैं। तो इसलिए हम लोग इस विषय को सुनेंगे, क्योंकि क्लेश को बताने में पूरा 45 मिनट लगेंगे कम से कम, और हम धीरे धीरे आगे आगे इसको सुनेंगे। इसलिए और आज के अनाउंसमेंट है, हमारे प्रभु जी हैं कालू यादव जी के भाई हैं, पता नहीं मेरा नाम भूल गया, मुझे नाम क्या है, ज्ञानेंद्र यादव जी। इन्होंने आज के सब लोगों के प्रसाद की व्यवस्था की है, जितने भक्त लोग हैं इन्होंने बहुत बढ़िया प्रसाद बनाया, और पूरी सब्जी हलवा और आलू गोभी की सब्जी है,
आलू गोभी सब्जी और हमारे श्रीकांत प्रभु जी एक नया डिश बनाए। मुझे लगता है पहला बार हम लोग खाओगे, जैसे कढ़ी बताए ना हमारे उड़ीसा में, जैसे कढ़ी होती है लेकिन ये कढ़ी में सब्जी, यहाँ पर कढ़ी में तो पकौड़े डालकर बनाते हैं लेकिन हमारे उधर उसमें सब्जी डालकर कढ़ी के अंदर में उसमें बेसन नहीं देते हैं, दही से बनाते हैं। इसलिए प्रभु जी बहुत कष्ट करके आज उन्होंने ये डिश बनाए। देखो जो कथा हो रही ना रूप गोस्वामी के ऊपर भी कथा हो रही, एक संत का चरित्र है। वो संत हमारे संप्रदाय में सबसे बड़े संत है। जो लोग इसमें प्रसाद दे रहे हैं और इतने लोग कथा भी सुन रहे हैं और वो प्रसाद को पा रहे हैं और प्रसाद सबकी अंदर में थोड़ी थोड़ी जा रहे हैं भगवान की प्रसाद, ये एक बहुत बड़ा पुण्य है। पुण्य नहीं, ये बहुत बड़ा एक सुकृति है जो भक्त लोग को, जो लोग प्रसाद देते। इसलिए जो लोग कथा में थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे रहे हो, हम गुरु जी के चरण में, ठाकुर जी के चरण में प्रार्थना करते हैं। जैसे सुदामा दो मुठ चिड़वा दिया ना, ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिए है। इसलिए जो भगवान की भक्तों की सेवा के लिए देते हैं, भगवान भक्तों के हृदय में ही निवास करते हैं। जब भक्त लोग खुश हो जाए, भगवान खुश हुए, अरे भक्त लोग खुश हुए, बस ठाकुर अपने आप खुश हो जाए है ठाकुर जी। इसलिए ठाकुर जी इनको भक्ति दे, शक्ति दे, घर में इनकी शांति और सुख दे और ये लोग खूब फलते फूलते रहे। ठीक है, हरे कृष्णा। अभी ठाकुर जी की आरती होगी फिर उसको बाद में प्रसाद लेकर जाना। ये कथा और चार पांच दिन तक चलेगी, इसलिए कल कल भी बढ़िया प्रसाद, कल जो हमारे अनिरुद्ध प्रभु कल करेंगे और ये छोले भटूरे और मूंग दाल की आप सबके संग खड़े हो यार। अरे ठाकुर जी की आरती है, जीत प्रभु जी, जीत प्रभु जी अनुपम जी अनुपम प्रभु अनुपम प्रभु बोलो सची नंदन गौर हरी की। गुरुद्रा जी फैल के नीचे बीमारी होगी ना, पंखा के देने के आऊँगा सही रिपेयरिंग के लिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, क्या हो गया लगता है घर में बहुत गर्मी है, अगर किसको घर में पत्थर ना कर लिया ना हम इसको आर्जेस्ट बना देंगे, घर में सारी गर्मी निकल जाएगी। देख लेना कहीं अगर पंखा ज्यादा हो तो स्टार्ट कर लिया। की बजाय I don't know.
अति कुशोभा Thank you.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Thank you.
जोर से जो हाथ नहीं उठाएगा अगले जीवन में ठाकुर उसको हाथ नहीं उठेगा। आधा वक्त तो नाच रहे और आधा वक्त आ रहे नाच रहे। देखो जब वृंदावन में कंपटीशन होता है ना कन्हैया का दल हार जाके राधा जी जल दिखती है, लेकिन यहाँ दिखता है राधा जी की जल चुपचाप है तो हार कर बैठे हैं। राधा रानी को नहीं हरानी है, ठीक है ना। अभी देखते हैं कन्हैया का दल हारते ना राधा रानी हारना ही पड़े, देखते हैं इस बार, ठीक है। Thank you.